Esteji yor. Yes, thank you. Good morning, all. Thank you, Alka madam. Such a great welcome, warm welcome. Yes, तो शुरुआत करने से पहले मैं हर रोज की तरह कहना चाहूंगा कि भिन्न असुद्या भाषा भिन्न असुद्या वेश एक संस्कृति एकच गाने भारत आमचा देश भारत जननी एक हृदय हो एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलिए, तो मायसेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा तालुका से बिलोंग करता हूँ, सोनार डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाराष्ट्र में ये है। और मेरा यहाँ पे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का है और बीच में कोविड हॉस्पिटल भी था। अभी मैं उपजिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे आयुष मेडिकल इस पद के ऊपर गए 15 साल से काम करता हूँ। तो बाय प्रोफेशन अगर मैं इलनेस पे अगर डॉक्टर बोल के मैं काम करता हूँ, लेकिन बाय पैशन मैं इस फैमिली से जुड़ के आप लोगों के सभी के सहकार्य आशीर्वाद की वजह से मैं एक बाय पैशन एक वेलनेस कोच बन के हम करते हैं और इस फोरम पे ज्वाइन होकर ज्यादा लोगों को एजुकेट करके उनको हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं और इस तरह से टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इस माध्यम से स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम सब लोग जुड़ चुके हैं, उसी का मैं एक पार्ट हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करते करते आपसे बात करना चाहूंगा। यस, तो आज का अपना टॉपिक है कि व्यसनाधीनता, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का जो सब्जेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना, कुठल्याही हानिकारक पदार्थाचे अतिमात्रेत केलेले सेवन जो हम कुठल्याही पदार्थाचे अतिमात्रेत केलेले सेवन हे व्यसनाधीनतेकडे आणि त्याची लागलेली सवय। यस, तो ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो परंडा में है। नेक्स्ट, यस, तो ये हमारा परंडा में ही मोरे स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर जो हम चलाते हैं, जिसमें हम इलनेस से ज्यादा वेलनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करके लोगों को ना ही बीमार पड़े और अच्छे से अच्छे कैसे वो फिट एंड फाइन रहे, इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अपने फोरम के जो हमारे मेंटर्स सीनियर मेंटर्स है कि जिन्होंने एजवी फोरम के माध्यम से सभी लोगों को फिट फाइन हेल्दी वेल्दी बनाने का प्रयास जो कर रहे हैं वो है हमारे मिस्टर हर्षद सर एंड बागेश्वरी हाकर मैडम, इनको मैं प्रणाम प्रणाम करता हूँ। देखिए मेरी पहली कैसी अवस्था थी कि जैसे हम दोनों की जोड़ी जैसे चंगू मंगू की जोड़ी लगती थी और मेरी तो देखिए हाथ पाई दिस्ती काड़ है पोटे भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था थी। खाते पीते घर के लगते थे, बहुत बड़ा पेट जो बोलते ना कि 2 सिलेंडर का बोझा मेरे पेट के ऊपर मैं लेके चलता था, जिसकी वजह से वो बोझा मेरे घुटनों के ऊपर आके मेरा घुटनों का दर्द, फैट की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका था, चिड़चिड़ापन बाकी का ये सभी कुछ बीपी ऊपर के साइड को शुगर वगैरह बाकी ये सब लक्षण दिख रहे थे। लेकिन इस टाइम पे मैं इस फोरम पे ज्वाइन होने के वजह से सबके साथ रह के जो मुझे पता था थोड़ा बहुत लेकिन आचरण नहीं हो पाता था, लेकिन अभी इस फैमिली से जुड़ने के बाद मैं आचरण भी किया, एक अच्छा प्यारा सा चाय नाश्ता मुझे यहाँ पे मिला और फिर बाद में मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखिए आप देखिए कि मैं यहाँ पे तो फर्स्टली जो मेरे मैडम है डॉक्टर रमा मोरे, ये 1.5 साल पहले ज्वाइन हो चुके थे और 2 महीने ही उन्होंने एक 12 किलो वजन जबरदस्त कम किया था। 2 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से जो शिक्षण मिलता है जो एजुकेशन मिलता है वही सिदूरी हम पूरे लाइफ लॉन्ग वो यूज करते हैं और हम लाइफ लॉन्ग फिट एंड फाइन खुद रहते हैं, परिवार को रखते हैं और हमारे मित्र परिवार भी वैसे रहते हैं। तो देखिए मेरा चिंगम से लेके सिंगम तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इस चाय नाश्ता इस फोरम के माध्यम से हुआ है। तो ये हमारे सीनियर मेंटर्स हैं जिन्होंने इस फोरम से और इस तरह से किस तरह से लोगों की सेवा की जाए ये हमें उन्होंने सिखाया था। ये देखिए कि स्पॉन्सर हमारे डॉक्टर प्रमोद सर और तेजस्वी मैडम, और ये देखिए कि हमारी कैसा ट्रांसफॉर्मेशन ये फिर से, हालांकि हम खाते पीते घर के लगते थे दोनों, लेकिन हमारे बच्चे जो थे
तो वैसे जो बड़ा छोटा दिखता था, छोटा बड़ा दिखता था, दोनों भी ऐसे कुपोषित लगते थे। लोग बोलते थे कि हालांकि हम एक ही बर्तन में खाना खाते थे, फिर भी ऐसी अवस्था थी। लेकिन इस फैमिली से जुड़ने के बाद जो भी अच्छा उनको डायनोशिया या बाकी न्यूट्रिशन मिला, जो कुछ नॉलेज मिला, जिसकी वजह से उनमें जबरदस्त एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनका वजन ऊंची ये तो बढ़ गया। लेकिन अपने फोरम के ऊपर डॉक्टर सुधीर सर जो कुछ ट्रिक्स वगैरह बच्चों के लिए देते, खास सेशन उनके लिए संडे के दिन दोपहर 12 बजे रहता है या बीच बीच में वो आके बोलते, तो बच्चों को एक अच्छा टिप्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो स्टडी में भी कंसंट्रेट कर पाते हैं। और उन्हें जो जैसे हेल्थ अवेयरनेस हमें करते हैं, तो वैसे वो एजुकेशन अवेयरनेस भी उनको करा के वो हेल्थ और एजुकेशन दोनों में इतना जबरदस्त ग्रोथ किया है उन्होंने कि कॉलेज में पहले 3 में आते हैं वो। तो देखिए पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस तरह से है। और ये स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे मैडम का या हमारे सासू माँ भी है, ये बार बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ किताबें हमने लिखी है कि जिसको माननीय पंतप्रधान जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया है, तो जिसकी वजह से हमें और प्रेरणा मिली और हमने आगे का जो है आरोग्य का संविधान ये किताब लिखा है। तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो 21 तारीख को है पुणे में, तो उसी को ही बहुत सारे विद्वानों ने हमें उनके आशीर्वाद भी दिए है। देखिए फिटनेस में इतना हम जबरदस्त ये कर चुके हैं कि जातिन फैक्स चैलेंज, ये ऑल ओवर इंडिया में खाली डॉक्टरों का ही एक चैलेंज था, तो जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मुझे पता ही नहीं था, जब पार्टिसिपेट करते तो बाकी के डॉक्टर जिस लोगों ने वो हमें मंगाए थे उन लोगों को बार बार पूछते थे, यार क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, कभी मैंने पूछा नहीं था। लेकिन उनका खुद फोन आ गया कि सर आपका नंबर आ चुका है। मुझे लगा ठीक है आया होगा, वहां पे जाके देखा तो मेरा पहला ही नंबर था, फर्स्ट नंबर वो वहां पे बोर्ड पे। तो ये जबरदस्ती अपने फॉर्म के ऊपर जो फिटनेस वगैरह बाकी जो मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से अपने आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे सुरवंटा से फूलपाखरू में रूपांतर होता है, तो वैसे ही ये रूपांतर होने में मदद हो जाता है। और जब अपना यहाँ पे आने के बाद सर्वांग सुंदर जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, खाली शरीर का नहीं मानसिक और पूरा व्यक्तित्व तो बदल जाता है, जिसकी वजह से आप सोसाइटी में एक अच्छा काम करते, एक अच्छा आप लोगों के सामने रहते आइडियल, तो आपके वजह से अलग अलग ऐसे पुरस्कार भी आपको मिलते हैं। तो ये जो सब रिजल्ट्स है वो टिपिकल है, आप कितना डिवोशन देते हैं, कितना मन लगा के करते हैं और कितना एजुकेट करके आगे जाते हैं, उसके ऊपर अवलंबन रहता है। तो यस ये अभी जो है, तो ये जो वेलनेस फोरम है हमने एजिंग प्रोसेस और अंडरवेट और अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयज की वजह से हमने ये किया था अलग अलग ये। तो ये मैं थोड़ा स्किप करता हूँ कि जिसकी वजह से इसके ऊपर यस। तो हमारा जो मोटो है जो मार्क्यूस साहब ने बताया था कि उनकी जो माता जी है तो वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो उनको फिटनेस मेंटेन करते करते वो 40 वर्ष में वो चले गए, क्योंकि कुछ पिल्स वो लेते थे। तो वहां जब मार्क्यूस साहब खाली 18 बरस के थे, तो उनके इतना सदमा पहुंचा कि माताजी गए और वो भी कुछ ऐसी दवा खा के, जिसकी वजह से वो उन्होंने फिर वहां पे जब कोई संघर्ष में, कोई बोलते ना कि हम बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, तो बिखर नहीं गए तो निखर गए। उन्होंने कहा कि इसके बाद अभी किसी के भी घर वाले या माताजी वगैरह बाकी कोई इसमें फिटनेस मेंटेन करते टाइम नहीं जाएगा। तो उन्होंने एक कुछ हर्ब एक जगह करके ये इस तरह से हमारा गुड न्यूट्रिशन बनाया, जिसकी वजह से सभी लोग एक फिट एंड फाइन रहते हैं। और जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत ये वर्ल्ड नंबर 1 जो अपना न्यूट्रिशन शेक बनता है, जिसमें 2 केले, 2 सफरचंद, 1 ग्लास दूध, बाकी ऐसे अलग अलग का जितना उसमें सत्व रहता है एक ही ग्लास में इतना सब मिल जाता है, कि जिसकी वजह से बोन हेल्थ, लंग्स हेल्थ, हार्ट हेल्थ, कॉग्निटिव इम्यूनिटी ये सभी उसमें हो जाता है। इसलिए वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन उसे कहा जाता है। तो जिसकी वजह से ये इनको प्रणाम करते हुए आगे हम चले जाएंगे। तो देखिए कि आज अपन व्यसनाधीनता के बारे में ही सोचने वाले, बहुत बड़ा और उसे एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। तो वो किस तरह से होता है क्या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जिसको है, जिसके घर में किसको है और कोई अपना मित्र परिवार समाज में देखते हैं, तो उनको किस तरह से टैकल हमें करना है और उनको वहां से बाहर निकालना है, और व्यसन मुक्ति के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, ये भी एक प्रकार की समाज सेवा है। ये क्योंकि उसका खुद का बोलते ना कि लाइफ सुधर जाती है, उसकी वजह से वो परिवार अच्छा डेवलप होता है, परिवार की वजह से समाज और समाज की वजह से देश। तो जो व्यसन है जो बोलते हैं ना हम, कि वो ज्यादा करके तरुण पीढ़ी में ज्यादा लगता है, कि अगर वो उसमें से बाहर निकल गए
वो कौन सी बुरी चीजों की जो लत लगती है, तो उसे व्यसन कहते हैं। खाली दारू ही नहीं, तो अलग अलग रहता है, किसी को मोबाइल का है, किसी को क्या है, किसी को जो भी अति मात्रा में करते हैं हम, अति सर्वत्र वर्जित, तो वो व्यसन बोले जाते हैं कि जो शरीर को और हमारे लाइफ को हानिकारक है, वो सब व्यसन में गिन सकते हैं हम। तो देखिए तो जैसे हम देखते हैं कि व्यसन म्हणजे कुठल्यातरी एखादा बोलते ना कि मादक उत्तेजक पदार्थ की जो आदत लगना, जिसकी वजह से, और दारू के साथ साथ उसमें ज्यादा करके भांग, गांजा, अफू, गर्द, तंबाकू, ये सभी चीजें आ जाते हैं। कि ये तो आप बोलते कि व्यसन अगर सामने किसी गधे के सामने अगर रखते हैं तंबाकू और कुछ सब्जियां, तो गधा क्या करता है कि सब्जियां खाएगा, लेकिन जो अफू, गांजा, तंबाकू ऐसे पेड़ों को वो छुएगा भी नहीं। देखिए गधों को पता चलता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, उसकी वजह से तो थोड़ा सा हमारे संत बोलते थे ना कि आपसे ज्यादा अच्छा मांसाहारी मेंढर भरी, तो वैसी एक अवस्था हो सकती है। तो इसलिए आप खुलना चाहिए, अवेयरनेस इसके बारे में होना चाहिए इसलिए। लेकिन ये क्या होता है कि सरकार को या कुछ समाज कंटक जो रहते हैं उन लोगों को बहुत सारा इसमें से पैसा मिलता है, और लेकिन कितने जो कुटुंब है वो उद्ध्वस्त हो जाते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता। और देखिए कि जो दहशतवादी चळवळी जो रहते हैं अफगानिस्तान बाकी का, यहाँ से वो ज्यादा करके ये आ जाता है, और उससे ना कि लोगों को लगता है कि वो समस्या से छुटकारा पाते हैं लेकिन नहीं पाते, उससे बढ़ता है। तो उसको ड्रग्स एब्यूज भी बोलते हैं ज्यादा करके, अलग अलग नमूने के ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या होते हैं, किस तरह से किया जाता है, ये देखिए कि व्हाट इज ड्रग्स। ड्रग्स इज अ सब्सटेंस व्हेन एब्सॉर्ब इन द बॉडी, जब बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं तो वो केमिकल्स दैट चेंजेस द वे ए पीपल्स बॉडी वर्क बाय अल्टरिंग, जो शरीर में जाने के बाद अपना अल्टर्स क्या करते हैं, मूड, फीलिंग्स, इमोशंस जो हमारे रहते हैं वो पूरा बदल जाता है, उसका व्यक्तिमत्व तो पूरा बदल जाता है जब वो ड्रग्स देने के बाद या कुछ व्यसन करने के बाद बिहेवियर करता है। तो वो खुद बिहेवियर नहीं करता, वो इंसान अच्छा ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो भी कुछ ड्रग गया रहता है उसकी वजह से वो पूरा बदल जाता है। तो हमें वो आदमी को चेंज नहीं करना है, तो उसका ड्रग जो लेता है वो उससे दूर करना है। तो देखिए कि ये ड्रग्स एबिचुअल होते हैं जिसका मूड अफेक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अफेक्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस और टू अफेक्ट अ बॉडी फंक्शन अननेसेसरी, जो हमारे कॉन्सियसनेस है और बॉडी फंक्शन जो हमारे रहते हैं वो पूरे बदल डालते हैं। ऐसे कंटिन्यू यूज ऑफ ड्रग कैन लीड टू ड्रग डिपेंडेंस, ये ड्रग डिपेंडेंस के ऊपर जाता है, स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंस, वो फिजिकली और मेंटली वो उसी ड्रग के ऊपर डिपेंड बन जाता है। तो अलग अलग मरीजों को केन अल्कोहल हम देखने वाले। तो जब कोई ड्रग्स लेके आता है तो जो फिजिकल और बिहेवियरल वार्निंग्स रहते हैं वो देखने के बाद हम पता चलता है कि अरे इसने ये कुछ तो लिया है। बहुत सारे लोगों को एक सिक्स सेंस रहता है, उससे उनको पता चलता है, फिर भी उसकी आंखों ब्लड शॉर्ट आईज, आंखें रेड हो जाती है, पीपल्स लार्ज और स्मॉलर देन यूजुअल। एक तो पीपल की साइज नॉर्मल नहीं रहती, जब हम टॉर्च लाइट डालते हैं तो एक तो लार्ज होल रहती है या बारीक होल रहती है चेंज, और वो नॉट रिएक्टिंग टू लाइट रहता है। वैसे चेंजेस इन एपेटाइट और स्लीप पैटर्न, उसके खान पान में बदलाव हो जाता है, कोई ड्रिंक लेकर कितना भी खाते रहता है, कोई खाता ही नहीं है, तो उसको नींद एक तो ज्यादा आती है, नहीं तो कभी कभी रात भर जगते रहता है। सडन वेट लॉस, वेट गेन अगर शुरू होता है तो समझना चाहिए कि वो कुछ तो ड्रग्स एब्यूज हो गया है। डिटरेटिंग ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस भी वो बदल जाता है, चलता नीट नहीं है, स्मेल ऑन ब्रीथ, जो ब्रेथ टेस्ट करते हैं जब हाईवे के ट्रैफिक पुलिस जब कोई ड्रग्स लेता है क्या, वो देखने के लिए उसके पास एक ये रहता है डिवाइस जिसमें वो फूकने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेथ टेस्ट होता है, इम्पेयर कोऑर्डिनेशन उसका, वो आप प्रॉपर तरीके से वो सामने वाले से ये नहीं होता। तो देखिए बिहेवियर वार्निंग क्या होता है, जब लेता है तो वर्क के ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, अच्छी तरह से काम नहीं करता, परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता उसका, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके शुरू हो जाते हैं क्योंकि ड्रग्स लेते टाइम उसके पैसे चले जाते हैं, सिक्रेटिव बिहेवियर्स चालू हो जाता है, सडन चेंजेस इन फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स, उसके में भी वो उसके फ्रेंड्स भी बदल जाते हैं अचानक, वो सभी एक्सीडेंटल प्रोन, एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा, एंजाइटी, उसमें अलग अलग विड्रॉल के सिम्टम्स भी दिखे जाते हैं। ये अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, वो डिप्रेशन में रहता है, उसमें कुछ दुख भी रहते हैं, निराशा, डिप्रेशन, जैसे ना एम्प्टीनेस, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप हम बोलते हैं, तो ये सभी होता है, और नजदीक हो जाता है, नजदीक ही उसके पास सजा सजी वो ड्रग्स उसको या व्यसन की जो करता है वो उपलब्ध होते जाता है, जिसकी वजह से वो ये होता है, जो बोलते हैं ना कि हर रोज की तरह पहले टाइम वो एक अच्छी तरह से गम्मत बोल के करता है, किसी के आग्रह के तारीख तरह वो लेता है,
फिर बाद में वो धीरे 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 उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी उतनी बन जाती है कि उसको अगर वो नहीं मिलता तो उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, तो उसमें अनावश्यकता भी थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन वो संस्कार की वजह से निकल जाते हैं। कॉज ऑफ ड्रग अब्यूज हमने अभी देखा है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, किसी को टेंशन है किसी बात का वगैरह बाकी का, तो भी वो थोड़ा सा टेंशन रिलीज करने के लिए ये करता है। फाइनेंशियल बर्डन, सोशल कल्चर जो है उसमें पीयर प्रेशर, एडिक्शन, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, फेल्यूर इन एग्जाम, ब्रेकअप रिलेशनशिप, डिप्रेशन, इलीगल रिलेशनशिप, यानी अदर बहुत सारे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं और अपना थोड़ा सा दुख जो भी कुछ है वो थोड़ा सा भूलने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हम कभी राजा बनना चाहते हैं या आमदार वगैरह खासदार बनना चाहते हैं तो उसको बहुत बड़ा कष्ट लगता है, लेकिन ये कि जब ड्रग्स लेता है तो उसके लिए वो दुनिया का राजा ही रहता है, तो ये शॉर्टकट वो अवलंबता है लेकिन उसका परिणाम उसके लिए बैड हो जाता है। तो रूट अलग अलग रहते हैं ड्रग्स लेने के, ओरल, कोई स्नोर्टिंग, स्मोकिंग, इंजेक्शन, ये सभी। आपको लगता है मैं इतने साधारण गांव में रहता हूँ और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के एक जैसे दुष्काळग्रस्त जिल्ला बोलते हैं जिसे मागास, उसी में ही दो चार जिले, उसमें उस्मानाबाद है, फिर उसमें परंडा एक थोड़ा सा ऐसा पार्ट है कि वहां पर भी मुझे कुछ बच्चे 18 साल से लेके 25 साल तक कि मैं उनके पिताजी को एक सबको बोलता था कि उसको कुछ तो प्रॉब्लम अलग है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, वो कुछ ना कुछ हैबिट है उसको कि, लेकिन कुछ दिन के बाद जब वो दूसरे मामा के यहाँ कहाँ जाता है तो वहां के उसको उठा के लाते, सर उसके पॉकेट में ये इंजेक्शन मिला मुझे और ये इंसुलिन सीरीज मिली, तो ये हम सोच भी नहीं सकते। इतने बच्चे अभी ये सब इतना फैल चुका है कि ये हमें लगता है खाली सिगरेट, तंबाकू, दारू, इसके भी ऊपर खाली इतना नहीं है, बहुत कुछ है ये समाज में विकृतियां। इतने छोटे गांव में अगर इतना सब होता रहता है तो कहाँ पे क्या होता रहेगा। देखिए तो ये निकोटिन ज्यादा करके ले जाने वाला अपना ये है कि जिसमें हम बोलते हैं कि तंबाकू का सर्व प्राचीन चलन जो बोलते हैं ना उसे वेश्यनाधीनता में रहता है, उसमें से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेटें ज्यादा करके प्रचलित है, जिसमें धूल खींचना, उसमें से तपकीर बनती है, मुंह में डाल के चगड़ते हैं जिसकी वजह से, तो जैसे ही इसमें निकोटीन ये जो रहता है तो ये रसायन अत्यंत विषैल रहता है, जो लार में से, जो हमारे सांस में से पूरे हृदय, फुफ्फुस, जठर, रक्तवाहिनियां, इसके ऊपर वो असर करता है, और जिसकी वजह से जहां जहां निकोटीन लगता है ओड, जीभ, गाल, श्वास, वहां कैंसर होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ज्यादा ज्यादा जो लेता है वो तो श्वास मार्गातील कैंसर और धूम्रपान आदि निकट संबंध होता है, क्योंकि हमारे कुछ मित्र परिवार, या बोलते हैं ना कि हमारे जो सीनियर्स है उसमें भी हमने देखा है कि जिनको गजे का, फुफ्फुस का कैंसर हुआ था, उन लोगों को सिगरेट स्मोकिंग करने की बहुत ज्यादा आदत थी। तो देखिए कि गर्भपात अगर धूम्रपान करते तो उसका परिणाम भी बच्चे के ऊपर होता है, उसकी किडनी, हृदय वगैरह बाकी खराब हो सकते हैं, श्वसन संस्थान के ऊपर भी अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम आके उनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा के ऊपर भी वो जा सकता है। तो खरेतर जैसे बोलते हैं दारू अपेक्षा अधिक नुकसान तंबाकू से ज्यादा होता है, जैसे बोलते हैं ना कि कुटुंबाचा हर रोज का अगर खर्चा देखते हैं तो 1-2 रुपए से लेके 100 रुपए तक रहता है, खाली इतना ही नहीं है। सिगरेट पेक्षा बीड़ी स्वस्थ असली तरी, बीड़ी जास्त गरीब असल्याने नुकसान ज्यादा देती है, क्योंकि उसमें फिल्टर ज्यादा नहीं रहता उसकी वजह से, और जो धूम्रपान जो करता है उसके पास जो आदमी आजू बाजू में रहते हैं तो पैसिव स्मोकर में वो चले जाते हैं, और उनको अगर जो डायरेक्ट व्यसन करता है तो जो बाजू में रहते हैं उसको भी एक 60% 70% उससे धोखा निर्माण हो जाता है। ऐसी धूम्रपान जैसे रहता है कि वो एक बुरी लत है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुंह को दुर्गंधी तो आता ही है लेकिन फुफ्फुस वगैरह बाकी ये भी खराब हो जाते हैं। कोई बड़े स्टार अगर टीवी के ऊपर ये करते हैं, ऐड करते हैं, पहले नागार्जुन सिगरेट का स्मोकिंग के बारे में दिखाता था, या और कोई, तो और कोई पान मसाला या ये ऐड करते हैं, उन लोगों को पैसा ज्यादा मिलता है बोल के करते हैं, लेकिन जो वो सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं जिनको समझ में नहीं आता तो उनको फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से वो बच्चों में या तरुण पीढ़ी वो गलत मार्ग की तरफ जाते हैं। तो जिसकी वजह से देखिए कि सचिन तेंदुलकर रहे, एम एस धोनी रहे, ये ऐसे लोग हैं कि पैसे के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो परिवार का नुकसान करके खुद का घर भरना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से ये ऐसे ऐड या बाकी का सपोर्ट भी हमें करना नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से या
देखिए निकोटिन से किस तरह से पूरे शरीर के ऊपर है, तंबाकू की खेती, तंबाकू तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वहां पे क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है। अगर हमारे ब्रेन के ऊपर अगर देखें, लाइटनेस, हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस, एबनॉर्मल ड्रीम्स, इरेटेबिलिटी, डिजीनेस, उसका बिहेवियर पूरा चेंज होता है। हार्ट के ऊपर उसका एक्शन होने के बाद एक तो डिक्रीज और इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया, अरिथमिया, कोरोनरी कंस्ट्रक्शंस, जैसे हमारे नाइट वर्क से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उससे वेजो डायलेशन होता है, तो उससे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको बीपी है उसका और शूट आउट होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, ब्रेन हिमोरेज बाकी का ये भी सब होना शुरू हो जाता है। एंडोक्राइन जो रहता है अंदर का जो हार्मोनल इम्बैलेंस उसका शुरू हो जाता है, इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनेमिया, ऐसा होकर डायबिटीज को भी प्रोन हो सकता है, ज्वाइंट में ज्वाइंट पेन वगैरह बाकी भी शुरू हो जाता है, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन से वो निकोटिन या कार्बन पार्टिकल से ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहां पे अच्छा सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से वो टिश्यू, वहाँ के सेल्स, वहाँ का ऑर्गन ये डैमेज होने में चालू हो जाता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे क्या होता है, नौसिया, ओमिटिंग, डिप्थीरिया, डायरिया, हेडेक, ये सब शुरू हो जाते हैं, मस्कुलर ट्रेमर्स, पेन्स वगैरह बाकी, एलर्जिक वगैरह बाकी, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है कि ये जो हमारे निकोटिन जब हम लेते हैं तंबाकू, तो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो रहते हैं ब्रेन में के, वो चेंजेस इन द वे सर्टेन ब्रेन सेल्स वर्क, वो उनका वर्क बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जैसे पेट्रोल लगने के बाद ही गाड़ी चलती है, तो बाद में ब्रेन में के सेल्स ऐसा लगता है कि वो निकोटिन की मात्रा अच्छा रहने की वजह से वो चलना शुरू हो जाते हैं। जब मात्रा कम होती है तो विड्रॉल सिम्टम चालू होते हैं, बेचैनी, तो मांगता है शरीर, फिर बाद में वो लेता है, फिर वो लेवल आने के बाद फिर वो वर्क शुरू करना चाहिए, यानी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, रिमेंस फॉर अंटिल ब्रेन रिवर्सल। तो ये बंद करने के बाद यस, तो अलग अलग देखिए क्या रहता है कि हशीश, दारू, तो हशीश ये जो रहता है, हशीश नाम का एक व्यसन करते लोग, तो ये गांजा अच्छा जैसे बोलते ना हिरव्या फांद्यातून काढलेला चीक है, चीक जो रहता है ना हर एक जो प्लांट्स रहते हैं ये गांजा का है, आफू का है, मोरफिन, ये सभी के, तो उसमें से जो चीक निकलता है जो वहां में से, तो तंबाकू में ये मिलाते हैं। देखिए कि एक तंबाकू इतना ये करते हैं, उसमें अगर उसका चीक मिलाया जाए तो वो अत्यंत तो परिणामकारक हो जाता है, जिसकी वजह से वो झट से किक लेवल को पहुंच जाता है उतना। तो यस, तो जो दारू रहती है तो वो शरीर के ऊपर जैसे रहते हैं कि वो ज्यादा ज्यादा घातक परिणाम करती है, वो तो अल्प मात्रा में थोड़ा सा भूख बढ़ाती है, शरीर में गर्मी पैदा करती है, जो हमारे खून पुरोटा है उसको रिलैक्स करती है, थोड़ा पेन शरीर में बाकी, ये तो थोड़ा मात्रे में अगर होता रहता है, लेकिन वो एक मादक पदार्थ है, जिसकी वजह से हड़ाऊ शरीर के ऊपर एक अच्छा लगना, सुखद लगना, एक अच्छा फीलिंग शुरुआत हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस होने की वजह से हड़ाऊ उसके व्यसन में परिवर्तन होते चला जाता है, और अलग अलग उसमें लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें फिर एसिडिटी बढ़ के पेट के भी जो एसिडिटी, जठर व पेप्टिक अल्सर्स, शरीर में जब ज्यादा पीता है तो खाना कम खाता है, जिसकी वजह से कुपोषण उसका शुरू हो जाता है, अगर वो लेते लेते ज्यादा कुछ मांसाहार या बाकी और कुछ उसके साथ खाता है, तो जिसकी वजह से हाई कैलोरीज और ज्यादा कैलोरीज, बैड कैलोरीज शरीर में ज्यादा जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सब जाने की वजह से उसके वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। तो पहले तो लैंगिक इच्छा अच्छी बढ़ती है, लेकिन बाद में उसका डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से वहां पे फिर लत लगती है, इस तरह से ये शुरू हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हृदय के लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा, लेकिन वो एकदम कम या 60 मिली मात्रा में, यानी औषध जैसे लेते हैं हम कम मात्रा में, उसमें ये चला होता है, लेकिन ये इतने पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि बॉडी डिपेंडेंस होने के बाद वो बढ़ते चला जाता है, और एक बुरी आदत लग के फिर बाद में हमारे उसके दुष्परिणाम जो हमारे जठर, यकृत, स्प्लीन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा ब्रेन सिस्टम जो रहता है, नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर ही ज्यादा करके काम करता है। और जो भी हाईवे पे अपघात होते हैं या कुछ बड़े बड़े गुनेगार गुने करते हैं, तो उसके पीछे ये व्यसन ही ऐसा रहता है कि जो लेने के बाद उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आता, तो उसी प्रकार ये अतोनात नुकसान ये इसकी वजह से होता रहता है। तो ये जो बच्चे हैं उसमें 60-70% होने की शक्यता रहती है, क्योंकि जो उम्र रहती है 18 से 25 साल, उसी में ही उसको आदत लग सकती है, उतना एक बार वो निकल के गया टाइम पीरियड की उसको उसकी आदत लगती नहीं है। तो ज्यादा करके जनजागृति कॉलेजों में इसमें करना ये इम्पोर्टेंट ये रहता है। तो देखिए अलग अलग किस तरह से अपना काम, ये अलग अलग इसके ऊपर ये सब
व्यसन करता है, तो यह हमें समझ में आना चाहिए कि अल्कोहल डिपेंडेंस है कि नहीं कोई, या वो कोई ड्रग्स लेता है या बाकी कुछ करता है। तो ये 10 क्वेश्चन अगर उसके पूछते हैं तो उसमें से 3 भी अगर बराबर आ जाते हैं, यस अगर क्लियर और मोर, तो वो डिपेंडेबल है, उसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको शुरू होगा। ठीक है, डू लूज टाइम फ्रॉम वर्क ड्यू टू ड्रिंकिंग, अगर वो ड्रिंक करते टाइम खुद का टाइम निकाल के अगर वो जाता है क्या, यस या नो, इज ड्रिंकिंग मेकिंग योर होम लाइफ अनहैप्पी, आप दारू पीने के बाद घर आने के बाद अगर झगड़े होते हैं या बाकी और कुछ होता है, तो ये 2 पॉइंट, इज ड्रिंकिंग अफेक्टिंग योर रेपुटेशन, ड्रिंकिंग आपके रेपुटेशन को खराब कर रहा है क्या, लोगों को पता चलता है कि आप ले आए होगा, बाकी हैव यू फेल्ट रिमोर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग, कि उससे आप दूर हट सकते हैं क्या, डू यू क्रेव अ ड्रिंक एट अ डिफरेंट टाइम डेली, डेली टाइम हुआ शाम को 7 बजे, जैसे कुछ पहले के लोग थे वो उनका पैर मंदिर की तरफ भजन करने में मुड़ता था, तो आप किसी का पैर वो दारू पीने की तरफ अपने आप मुड़ जाता है क्या, तो देखिए कि डू यू वॉन्ट अ ड्रिंक द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर बाद में दूसरे दिन उठने के बाद हमें पीने की इच्छा होती है क्या, डू यू ड्रिंक अलोन, अकेले में आप पीना शुरू किया है क्या, कभी कभी अकेला ही लेने में शुरू हो जाता है, हैव यू एवर हैड अ कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग पीने के बाद आप क्या करते हो आपको समझ में नहीं आता है क्या, तो इसका मतलब आपके ब्रेन के सेल्स खराब हो चुके हैं, इस ड्रिंकिंग जॉब और जो जॉब और बिजनेस, बिजनेस के ऊपर आपका परिणाम हो के वो बिजनेस लो लेवल पर आया है क्या, हैव यू एवर बीन अ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट ऑन अकाउंट ऑफ योर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग की वजह से आप हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुए क्या या व्यसन मुक्ति केंद्र में गए हैं क्या, तो ये 3 प्रश्न से अगर ऊपर आता है तो ये बुरी लत उसको लग चुकी है, इतना समझ में आना चाहिए। ये देखिए कि अलग अलग ये अल्कोहल के परिणाम की वजह से या इसके वजह से जो समाज में हम देखते हैं कि जो अपघात होते हैं, खून होते हैं, प्राण आत्महत्या, ये सभी चीजें ये कौन सा भी व्यसन करने के बाद उसका मूड इमोशंस जो भी कुछ उसका नेचर है, कैरेक्टर है, वो पूरा चेंज हो जाता है, उसके इसमें वो क्या करता है वो समझ में नहीं आ जाता। तो इस तरह से अलग अलग दारू में भेसड़ होती है, बाकी के जो कम इसके लेते हैं तो उसमें भी ये ज्यादा ये शुरू हो जाता है। अगर कायदा भी निकाला है तो कैसा है कि जैसे अल्कोहल 18 बरस के बाद आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक लाइसेंस रहना चाहिए, जैसे डब्बे हमें लेने के लिए FSSAI का लाइसेंस रहता है, तो वैसे ड्रिंक करने के लिए भी एक लाइसेंस रहता है, लेकिन उसका कोई ये परवानगी का कोई ख्याल भी नहीं करता। देखते हैं कि हम हाईवे पे कोई दारू पी के चला रहा है तो उसके ऊपर गुना नोंद होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा बहुत चीरी मीरी देने से क्या होता है कि वो छोड़ दिया जाता है उनको। तो इस तरह से अलग अलग है, दारू पीना समझो अकेले में ठीक है, लेकिन सबके साथ करके जो गोंदर या ये करते हैं वो गुना हो सकता है, तो इस तरह से ये किया जाता है। अभी देखिए ये गांजा क्या है, तो गांजा ये मूल स्वरूप में एक छोटा पेड़ रहता है और पूर्वीपासून निरनिराळ्या कामासाठी त्याचा उपयोग वगैरे केला जात होता। जैसे फीमेल जाती का जो वृक्ष रहता है, ये पेड़ रहता है छोटा, कि मादी जातीच्या झाडांपासून जो चीक निघतो त्यास गांजा असे म्हणतात, ज्या पेड़ का चीक जो रहता है वो पेड़ का, तो उसे गांजा कहा जाता है। तो कोवळ्या फांद्यांवर जो राळेसारखा थर येतो त्यास चरस कहा जाता है। देखिये चरस क्या है, उसी एक छोटा जो उसको हम जुड़ूप बोलते हैं या छोटा पेड़ बोलेंगे या पौधा बोलेंगे, पौधा जो पौधा का जो चीक है वो गांजा है, उसके ऊपर राळेसारखा जो थर आता है तो उसे चरस बोलते हैं, और जैसे उसके पाने जो रहते हैं, उसके पत्ते और टिक्षा मिलून भांग तैयार होते, जैसे गांजा वो भांग जुनी आस्ते निरूपी आस्ते वो ये रेंज है, उसको क्या करता है कि वो मेंदू चेतातंतु पचन संस्था अपना जो मूत्र संस्था रहता है, स्त्री पुरुष जनन संस्था मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेशन है, सांस है, अनेक जागे उसका परिणाम होता है अलग अलग तरीके से, और वो अलग अलग प्रकार है, जैसे धूम्रपान में दूध में मिला के, जैसे गोटा वगैरह बना के लेप लगा के वो भी यूज किया जाता है, उसका उसका पेन किलर बाकी का भी अच्छा अगर उसमें का एक्सट्रैक्ट निकाल के वैद्यकीय गुणधर्म मेडिकल फैकल्टीज में उसका यूज किया जाता है। लेकिन जब हम अयोग्य पद्धति से लेते हैं मेंदू, त्याचा पहिल्यांदा उत्तेजक परिणाम होता है, फिर कैफ चढ़ता है, नींद आने लगती है, संवेदना उसमें बोथट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है, और जैसे शरीर शिथिल वो शक्तिहीन बन जाता है, विशेषता जैसे बोलते हैं ना कि उसमें सेक्सुअल पावर पहले टाइम तो ज्यादा बढ़ जाता है ऐसा लगता है, तो ये
गांजा बोले तो जैसे मरीजुआना, ये उसको बोलते हैं कि जिससे डिजीनेस, ड्राई माउथ, ड्राउजीनेस, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये शुरू हो जाता है, ये यूफोरिया, ब्लड विजन, रेड आईज, हेडेक, ये हमने देखा है, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, बाकी हृदय के ऊपर कभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन रहता है तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको बजे में या दूध में गोटे में कुछ तो मिला के एक जन को पिलाते हैं किसी को, लेकिन वो पहली बार पीता है तो उसको समझ में नहीं आता, तो उसके प्रॉब्लम ज्यादा आ जाते हैं, तो गिरता है कहीं पे तो एक्सीडेंट होता है, या कभी उसको उठा के भी लाना पड़ता है, उल्टा, जुलाब, चक्कर, वो चिल्लाते रहता है, अलग अलग उसके ऊपर ये हो जाते हैं। तो फिर आपने यहाँ आने के बाद हमें उनको थोड़ा सा मीठ का पानी देके, थोड़ा नींबू पानी देके उसको एक तो उल्टा करके जल्दी से बाहर निकालते हैं हम, फिर कुछ ड्रग्स भी देते हैं, उसके जो वाइटल्स है वो हम पूरी तरह से देखते हैं, ऑक्सीजन लेवल वगैरह बाकी देखते हैं, और इस तरह से, और कैफीन जो रहता है कॉफी वगैरह बाकी उसको देखे, उसको थोड़ा सा नींद में से बाहर लाने के लिए स्टिमुलेट करने पड़ते हैं। जैसे हमारे हर्बा कंट्रोल में कैफीन की मात्रा ज्यादा है, अफ्रेश में भी है, तो अलर्टनेस उसका उससे अच्छा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये गांजा पीने की वजह से अलग अलग शरीर के ऊपर परिणाम तो हमें दिखते हैं। तो फिर बाद में जो आफू रहता है वो गांजा प्रमाणे आफू ही, जैसे बोलते हैं ना कि मूल औषध मूल उपयुक्त किया जाता, लेकिन ये गांजा से भी ज्यादा प्रभावित रहता है। जो इसका बूंद रहता है सामने, तो वहां से निकालने जो चीक शुक्लांतर उसे आफू कहते हैं, यानी चीक से ही आफू बनता है, लेकिन वो जो उसमें का बोन में का जो बी है वो बी को खसखस बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि रात को दूध में थोड़ा खसखस डाल के पिए तो आपको नींद अच्छी तरह से आएगी। तो ये देखिए कि खसखस क्या है, अफू पेड़ का एक छोटा सा ये है। अफू में क्या होता है, वेदना शामक, जो टेम्परेचर आता है, ताप शामक द्रव्य अलग अलग रहते हैं, जिसे मॉर्फिन से नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेंदू के ऊपर अच्छा परिणाम, उससे नींद भी अच्छी तरह से आती है। जो पेन हमारे शरीर में होता है, वेदना, वो भी सहन शक्ति हमारी बढ़ती है। हर काम में शुरुआती लग कम मात्रा में उत्साह, काम वासना बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ने में ये कम मात्रा में हो जाता है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा होती है तो उसके श्वसन के ऊपर, हृदय के ऊपर, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर बुरा असर गिर के उसका, उसमें मृत्यु भी आ सकता है ज्यादा अगर मात्रा में वो लेता है। तो उस तरह से अलग अलग के ऊपर ये अफू काम करके, पाचन संस्था के ऊपर, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, सूखा खांसी अगर आती है तो भी वो कोडिन बोल के जो मिलता है उसके ऊपर ये काम करता था। जो ऑपोइड्स में ये ज्यादा करके यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, सिडेशन, स्वेटिंग ये सब शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना वगैरह बाकी का, तो ऑपोइड्स में। तो ये देखिए कि ये मॉर्फिन जो हम अफू बोलते हैं, तो इस तरह से इसकी बूंद रहती है, बूंद में जो खसखस आती आती है तो वो हमें काम करने में मदद देती है। देखिए मॉर्फिन का उन्होंने कैसा किया है कि मायोसिस, आउट ऑफ इट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, निमोनिया, हाइपोटेंशन, इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, नॉसिया, इमेसिस, ये अलग अलग इससे हो जाता है। ये इंजेक्शन की मात्रा में भी थोड़ा उसका डोज कैसे दिया जाता है, देखिए कि या सबके कारण की वजह से जब तक अच्छा लोगों को लगता है, लेकिन ये शरीर के ऊपर बुरी तरीके से हावी हो जाता है। और देखिए कि आफू बाधित व्यक्ति ने प्रथम उपचार में कैसा है, मीठ पानी से उल्टा करना चाहिए, फिर बाद में आफू बाहर पड़ने के बाद मोरचूप जो रहता है अपना, 10 गुंजा पानी दिली जाएगी, उल्टी नंतर जैसे कड़क कॉफी पिया दिया जाता है, जैसे एक नेहलोरपिन बोल के एक इंजेक्शन आता है कि जो मॉर्फिन का जो शरीर पे परिणाम होता है उसको वो उल्टा कर देता है। तो वैसे हम अगर उसकी लत लग जाती है तो भूख हमारी कम होती जाती है, अशक्तपना जाना कम, अशक्तपना होता है दौर्बल्य, वजन कम होना, अंडरवेट, फिर बाद में तो शुरुआती को जैसे काम वासना, सेक्सुअल हेल्थ बढ़ने जैसा लगता है लेकिन वो पूरा कम हो जाता है, और जो मानसिक स्थिति है उसकी बिगड़ जाती है, उसको समझ में नहीं आता, विकृति बढ़ जाती है। तो ये सभी धीरे धीरे हमें बाहर उससे निकलना है। जो भी कुछ हम कान पे हमारे आता है कि हीरोइन है, गर्द, ब्राउन शुगर, ये क्या है, देखिए ये भी कुछ अलग नहीं है, उसी के ही छोटे मोटे पार्ट है, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, ये गांजा हुआ तो आफू हुआ तो ये दो उसमें से ही छोटे छोटे, हीरोइन, कशिश, बाकी ये भी सब। तो ये देखिए आफू पासून बनवलेले अत्यंत मादक द्रव्य है, शुद्ध स्वरूपात ते पांढरे असते, आफू गर्द खाल्ली जाते किंवा ओढले जाते, हिरोईन ओढले जाते किंवा इंजेक्शन वाटे घेतले जाते। जो इंजेक्शन से लिया जाता है वो आफू का ही, मॉर्फिन का ही पार्ट है, कि जो इंजेक्शन से हीरोइन तीन पायरेट परिणाम दिखते, जैसे पहले इसमें तो उत्तेजित अवस्था रहती है, उसमें बड़बड़ करना, उसको एक कहीं पे तो
टॉपिक ऐसे ऐसे आदत लगता है उसको, फिर बाद में आगे जाने के बाद उसके ओट रहते हैं, त्वचा रहती है, जो हमारे आंखों के जो पीपल्स रहते हैं बाहुल्या, वो भी तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अलग अलग शरीर के ऊपर थोड़ा खजाना शुरू हो जाता है। तीसरी पायरी में तो पूरा गार्ड निम्न में चला जाता है और उसके श्वसन संस्था के ऊपर उसका परिणाम पड़ के उसका मृत्यु भी आ सकता है। हीरोइन इंजेक्शन की सवय लागल्यास इतर अनेक आरोग्य विषयक प्रश्न निर्माण होतात। जैसे कभी कभी तो वो ड्रग्स के परिणाम तो दिखते ही, लेकिन बार बार वही सीरिंज वही निडल की वजह से उसको इन्फेक्शन ज्यादा प्रकार की होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हिपेटाइटिस बी एक का वजह से दूसरे को, दूसरे वजह से तीसरे को कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। एचआईवी तक हो सकता है जो लोगों को, और जिसकी वजह से ये बैड हैबिट्स क्योंकि ये हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए कैसे लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्लोइंग, ये सभी ये इसकी वजह से होता है। फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंसी ये सभी से बढ़ जाती है। अभी तो फिजिकल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि बॉडी हैज बीन अल्टर्ड इन वे दैट क्रिएट क्रेविंग्स फॉर द ड्रग्स मैनिफेस्टेड विड्रॉल सिम्टम्स। वो बार बार ठराविक टाइम हुआ कि वो उसको जैसे छोटे बच्चों को चॉकलेट खाना, बिस्किट खाने की क्रेविंग होती है, तो वो जिसको आदत है उसको बार बार ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे तो उठ के जाऊँ और जल्दी से मैं थोड़ा सा तंबाकू लेके आया, या जो भी उसको आदत है वो खींचने का वगैरह बाकी, तो वो ये शुरू करता है। अगर वो नहीं लेता है तो वो चिड़चिड़ापन, मारना झपटना, बाकी के अलग अलग वो बिहेवियर करना शुरू कर देता है। तो इन मेंटल डिपेंडेंसी क्या हो जाता है कि वो अलग अलग उसके ऊपर वो मेंटली भी डिपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं मिला तो उसको चोरिया मारे बाकी का ये सब करके कुछ भी करके उधार के ऊपर वो किया, उसका जो डिपेंडेंसी है ड्रग डिपेंडेंसी, ड्रग अब्यूज जो बन चुका है, जो व्यसन जिसको जड़ चुका है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। यस, तो देखिए कि कैटेगरी पे आप अब्यूज क्या है, नार्कोटिक्स है, डिप्रेशन है, स्टिमुलेंट है, हेलुसिनेशंस है, तो इसके भी कुछ पार्ट उन्होंने किया है, तो अलग अलग। तो इसमें देखिए कि स्टिमुलेंट जो है शरीर को जो स्टिमुलेट करते हैं, तो वो शुरुआत के जो स्टिमुलेट करते हैं तो उसमें एम्फेटामाइन्स, कोकेन, निकोटिन्स ये आ जाते हैं। एम्फेटामाइन्स एक ड्रग है, ये कोकेन जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम लेते हैं तो उसमें से अलग अलग वैसे ही सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, एग्रीवेशन उसका बढ़ता है, थोड़ा सा उसको अलर्टनेस आ जाता है कोकेन की वजह से, जैसे हम हमारे कान पे गिरता है कि कोकेन, तो लेकिन वो बार बार जब हम लेते हैं तो ब्रेन में स्ट्रोक आना, उसके अल्ट्रेशंस या बाकी का ये सभी चीजें उसके ब्रेन फंक्शन शुरू हो जाते हैं सिस्टमिक, उसको फीवर, इओसिनोफिलिया यानी इओसिनोफिल्स जो काउंट रहता है ब्लड में का, वो भी कम होते चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एलर्जी उसमें ज्यादा शुरू हो जाती है। नोज जिसमें सर्दी बार बार उसको होना शुरू हो जाती है, टीथ में को बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, हृदय में भी, स्किन में भी आंख खुजाने वगैरह बाकी शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम इससे शुरू हो जाते हैं, लंग्स में भी प्रॉब्लम आते हैं, थ्रोट में, ये हमने सब पहले देखा है। तो हीरोइन के बारे में हमने देखा था, तो हीरोइन का देखिए कि हीरोइन एक आफू से ही बनाया वाला रहता है जो खसखस से बोन में रहता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ ऑपी, ये हमने हीरोइन देखा है। तो ये क्या होता है कि एम्फेटामाइन ये एक पोटेंशियल सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, तो ये भी उसी में से डिराइव किया जाता है, कि जैसे एम्फेटामाइन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अलग अलग उसके होते हैं, जैसे अभी हमने देखा है, तो वैसे ही ये इसमें शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से डिप्रेशन में जो है, तो डिप्रेशन इज सब्सटेंस दैट रिड्यूस द नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज फंक्शन और एन इंस्टिंक्टिव डिजायर सच एज एपेटाइट ऑफ फूड, इट इज ऑल्सो नोन एज डाउनर्स, जो डिप्रेशन यानी कूल करता है शरीर को, वैसे उसमें अल्कोहल, बारबिट्यूरेट बाकी का ये भी हो जाता है कि जिसमें एक्साइटमेंट ज्यादा रहती हो कम, बेंजोडाइजिपिन ये भी टैबलेट डॉक्टर लोग ज्यादा करके यूज करते हैं, कि जिसके वजह से जिसका ओवरडोज होने के बाद ज्यादा वो नींद में चला जाता है, उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है, डिक्रीज लिबिडो, तो उसका काम इच्छा भी कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी उसमें शुरू हो जाते हैं, कि जिसमें हम ज्यादा करके ऐसे लोगों को मेल फैक्टर ज्यादा यूज करके उसको बाहर निकाल देते हैं। हेलुसिनेशन यानी कुछ तो अलग तरह का फीलिंग होता है उसको, एक अच्छा कुछ तो मैं कहीं पे तो स्वर्ग में गया हूँ, मुझे कुछ तो मैं आकाश में भ्रमण कर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, ऐसे अलग अलग तरीके से वो दिखना शुरू हो जाता है। हेलुसिनेशन देखिए किस तरह से ब्रेन में अपने हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है, कि जिसकी वजह से सीरेटोनिन एंड एसिटिल कोलामाइन इंटरफेयर द न्यूरोट्रांसमीटर एंड कॉज हेलुसिनेशंस।
तो ये केमिकल्स क्या करते हैं कि एसिटिलकोलिन वो ज्यादा करने में करते, लेकिन इसकी अवस्था ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, 30 मिनट से लेके 4 घंटे तक ही उसका रहता है। फिर बाद में जब वो बाहर आ जाता है तो उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा करके इस तरह से हमारे शरीर के ऊपर दिखते हैं। तो ये कुछ अलग टोबैको जैसे ही ये अलग ये मिलता है जिसमें मॉर्फिन कोकेन वगैरह बाकी रहता है, वो डालने के बाद ऐसे अलग अलग शरीर के ऊपर हमें असर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये चार पायरे में कैसे रहते हैं कि एक तो शुरुआतीला वो थोड़ा थोड़ा एक मजा बोल के वो लेना शुरू कर देता है, और फिर उसको एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा लोग दोस्तों के साथ लेना वो शुरू कर देता है। फिर बाद में उसको हर एक बार लेने की इच्छा होती है और वो घर में भी रखता है और घर में भी थोड़ा थोड़ा लेने की वो कोशिश करता है। फिर लास्ट में उसका जो व्यसन से पतित अवस्था होती है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेशन होना शुरू होता है, लीवर सिरोसिस होता है, पेट में अल्सरेशन शुरू हो जाते हैं, ब्रेन में उसको डिमेंशिया या अलग अलग तरीके की विकृति मेंदू में चालू हो जाती है जिसकी वजह से उसको फिर तक आ जाते हैं, झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ये सब अलग अलग प्रकार के देखा जाता है। इसमें जो कोई भी व्यसन करता है उसका खेल होता है, लेकिन दूसरे जो पार्टनर रहता है उसका छल होते रहता है। तो देखिए किस तरह से रहता है कि जीवन को बर्बाद वो किस तरह से वो खुद करता है कि जब वो जो बहुत दारुड़ा रहता है उसके कभी कभी जो विडंबन बोलते हैं ना कि वो कभी चलते नहीं जाता है, उसको गाड़ी लगती है क्योंकि वो उसमें शरीर में ताकत ही नहीं रहती खुद चलने की, तो उसको गाड़ी में ले जाना पड़ता है। तो कभी भी सादा बासा शेरा अन्न कभी भी नहीं खाता, वो गरम गरम खाता है क्योंकि वो खाया वाला उसको पछतास नहीं है, क्योंकि कुछ फायदे इसलिए ऐसे है कि जो व्यसन करता है ज्यादा तो उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों चोरी नहीं होती? तो लोगों को पता रहता है व्यसन करता है, उसके घर में कुछ रहने वाला नहीं है, वो पूरा खुद का घर का और खुद का भी बर्बादी उसने किया है, वहां पे चोरी करके क्या मिलने वाला है। तो ये सभी जो रहते हैं और उसके साथ उसके आजू पीछे बाजू 2-3 आदमी राजा के माफिक रहते हैं, क्यों? तो खुद उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसको उठाने के लिए बिठाने के लिए टॉयलेट को ले जाने के लिए सुलाने के लिए लोग लगने वाले थे। तो ये भी सब इसकी वजह से होता है। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा भी हुआ, तो ये देखना चाहिए कि व्यसन मुक्ति जो है वो कार्यक्रम क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो खुद उसके आरी जाके उसके साथ उसका पूरा परिवार, क्योंकि वो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो ठीक करते करते वो व्यसन का जो आदमी है वो जल्दी से कभी मरता नहीं, उसका लीवर खराब हो जाता है धीरे धीरे धीरे, वो खराब हो गया, हाथ पाए सिकुड़ जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है, फिर बाद में पेट में पानी भरता है, फिर बाद में वो जो कावड़ बनती है, फिर वो मेंदू में चली जाती है, फिर बाद में वो अलग अलग। तो ये स्टेज में वो जाने में कम से कम 3 बरस तो उसको लगते हैं, वो 3 बरस में उसको बार बार हॉस्पिटल में एडमिट करके जो शेयर पूरे परिवार के लिए कि चार अच्छे काम के लिए अगर पैसे रखे हो रहते हैं या जो हमारे पूर्व से चली आई वाली जो प्रॉपर्टी रहती है वो पूरा बेच के उसका पूरा काम का विलेवाट लगा के ही वो फिर बाद में दम तोड़ देता है। तो वैसी उसकी अवस्था रहती है। तो अलग अलग ये हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन उसको बार बार करना पड़ता है, बिहेवियरल थेरेपी देने पड़ते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, चेंजेस इन एडिशनल अलग अलग उसके होलिस्टिक अप्रोच उसको देना पड़ता है, क्योंकि जब उसका टाइम होता है कहीं पे जाने का तो उससे पहले वहां पे समझो इवनिंग को 8 बजे वो जाता रहता है, तो 7 बजे उसने क्या करना चाहिए, थोड़ा घर में परिवार के साथ बैठ के वो उसने उनके साथ टाइम बिता के वो जल्दी से जल्दी खाना खाए, थोड़ा व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, अलग अलग उसका जो हॉबीज है वो हॉबीज या अच्छे पुस्तक वगैरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो जो संगत है जब उसे बोलते हैं ना कि संगत करे बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए, संगत करे गधे की तो 2-2 लाता खाए, तो उससे थोड़ा सा बाजू में रहना चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। इसके बाद अभी हमें खुद इतरों को और बाकी जनों को भी हमें व्यसन से दूर रखने की कोशिश करना है, इसलिए एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में ट्रीटमेंट आता है, फिर पब्लिक पॉलिसी लॉ ये बाकी के। तो देखिए कि यहाँ पे एजुकेशन देने की हम इसलिए कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार में अगर कोई है तो उसको किस तरह से हमें उसको बाहर निकालने का रहता है। तो ये थोड़ा बहुत हम जब देखिए कि साइको एक्टिव सब्सटेंस जो रहता है कि जो वशीभूत करता है कि जो लोगों को पहले तो ऐसे लगता है कि एक आदमी जो नदी के किनारे रहता है तो वो देखता है कि एक जो काला घोंगड़ा है वो पानी में से बहते चला जा रहा है, उसको लगेगा अरे घोंगड़ा है तो चलो एक दो चार जन रहते हैं लेकिन वो बोलते हैं अरे मत जा कोई फायदा नहीं, लेकिन उसको लालसा सोचती है कि नहीं वो मुझे मिलेगा और मैं लेके आऊंगा। जब वो पानी में कूदता है वो घोंगड़ा है बोल के उसको पकड़ता है, तो फिर बाद में उसको समझ में आता है कि वो घोंगड़े नहीं उसको पकड़ा है, तो बाद में अच्छी तरह से देखता है तो एक हसबल रहता है। तो वैसी अवस्था रहती है कि हम पहली बार उसको एक मजा बोल के हम इवेशन को करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर बाद में हमें ऐसा पता चलता है कि उसने मैंने उसको नहीं पकड़ा तो उसने मुझे पकड़ा है। तो उसकी मिठी जब पड़ती है इवेशन की
वो पूरा उसको नेस्तनाबूत करके, उसके परिवार को नेस्तनाबूत करके, उसके तीन पीढ़िया का वाटोला करके ही वो चले जाती है। और जब व्यसन से बाहर वो आता है तो उसके तीन पीढ़िया उसके जबरदस्त वो रिकवर हो जाते हैं और अच्छी तरीके से ये हो जाते हैं। तो व्यसन एक शरार लगने जैसे कीड़े हम बोलते हैं कि एक गौतम बुद्ध के जी के सामने, उनके तथागत के सामने उनके जो शिष्य थे उनमें ये थोड़ा बहुत वाद चल रहा था, जैसे बोलते हम कि कौन सा व्यसन बुरा है, कोई तंबाकू, कोई अफीम, कोई हीरोइन, कोई ये, ऐसे बोलता था। फिर ये सभी का ये करने के लिए वो तथागत के पास गए। उन्होंने बोले कि ठीक है, कौन सा व्यसन सबसे बुरा मैं आपको बोलूंगा, कोई सिगरेट बोलता है, कोई क्या। तो देखिए क्या करिए कि एक जो भोपड़ा है, एक भोपड़ा क्या करिए पानी के ऊपर डाल दीजिए, क्या होता है वो उनके ऊपर फ्लोट करेगा, तरंगेल। फिर बाद में क्या करिए, वो पूरे वो भोपड़े को एक छोटा सा छिद्र निर्माण कीजिए और पानी के ऊपर डाल दीजिए, क्या होता है कि वो छिद्र में से वो पानी उसमें चला जाएगा और कुछ देर के बाद वो डूब जाएगा। तो वैसे ही उसको एक बड़ा करो, छोटा करो, वो कोई भी होल रहा तो अंदर पानी जाएगा और वो डूबते चला जाएगा। तो वैसे ही ये जो व्यसन के जो कुछ एडिक्ट होते हैं हम, तो ये हमारे जीवन को, हमारे शरीर को गिरे वाले वो छिद्र रहते हैं जिसकी वजह से वो आज ना कल हमें वो लेके डूबने वाले। तो उस तरह से सभी व्यसन वाइट रहते हैं किसके भी ऊपर हम डिपेंड। उसमें टाइम और वे ये दोनों भी चले जाते हैं। जब बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं कि समझो किनको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को अगर व्यसन की लत लगती है तो एक आधा लेक्चर वो बंक करता है। बंक करके क्या करता है कि वो 10 मिनट के लिए वो बाहर जाना चाहता है। लेकिन देखिए कौन सा भी मध्यालय रहे या कोई पान टपरी वगैरह कॉलेज के आजू बाजू में नहीं रखना, ऐसा रूल है, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और कोई देखेगा नजदीक भी बोल के, कोई शिक्षक देख सकता है, कॉलेज गोइंग उनके दोस्त लोग देखेंगे, गर्ल्स देखेंगी, लड़कियां देख सकते हैं उनको। उसके पास क्या करते, थोड़ा दूर वो चले जाते, तो जाने में 10 मिनट, वहां पे बैठ के वो व्यसन करने में उसके 10 मिनट, फिर बाद में आने में 10 मिनट, एक लेक्चर उसका बम होना शुरू हो जाता है। तो उसका मार्क में भी ये हो जाता है, व्यसन करने की वजह से अगले लेक्चर में भी उसका ज्यादा तरीके से ध्यान लगता नहीं है। और वो व्यसन करने के लिए पैसा भी वो कहाँ से लाता है, पैसे तो उसके पास नहीं रहते क्योंकि कॉलेज लाइफ में तो कमाता नहीं है। फिर वो घर वालों से पॉकेट मनी, जो घर वाले माता पिता उसको अच्छे काम के लिए दे रहे थे, ठीक है तो अच्छा किताब ले, अच्छा बाहर जाके कुछ तो खा, तो उसका वो गलत यूज करके इस तरह से जाता है। अगर किसी के पिताजी बोलते कि चल घर में तेरे को सब खाने पीने को है, जो भी कुछ मुझे बोल मैं ला के दूंगा, तो चोरी करना शुरू कर देता है अपने व्यसन की वजह से। इस तरह से वो गलत मार्ग की तरफ जाता है। लेकिन बच्चों में अगर मैं बोलना चाहूंगा कि ये उम्र में आप पैसा कमाते नहीं है, तो ऐसी चीजें जो फालतू के खर्चा होते रहते हैं वो अगर हम बचाते हैं तो वो बचाना ही हमारा कमाना रहता है। कि हर एक को अगर जाता है तो एक पूड़ी मानीचंद की लगती है तो 20 रुपए में मिलती, अगर वो 4-5 पूड़े दिन में खाता है या और बाकी कुछ करते रहता है तो 100 रुपए तो दिन में जाते हैं। अगर महीने के देखेंगे तो हम 3,000 रुपए लगते हैं। वो 3,000 में कितने अच्छे वो किताबें ला सकता है, कितना अच्छा खुद के पौष्टिक को अपना चाय नाश्ता ले सकता है। इस तरह से वो अपना खुद का भी एक जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मानसिक दृष्टि और संस्कारी बन सकता है। लेकिन वो ये नहीं होता। जैसे हमारे शरीर बोलते हैं कि देह देवालय पोक्ता आत्मदेवा सनातना त्याद्यत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजेत। हमारा शरीर एक देवालय की तरह, उसको एक अच्छे तरीके से ज्ञान वर्धक कुछ चीजें एजुकेट करके उसको उसकी पूजा करनी चाहिए और शरीर को तंदुरुस्त और फिट एंड फाइन रख के उसको एक प्रकार का जो भगवान ने हमें दिया वाला वो फोकट में जो हमारा शरीर है वो भगवान की ही पूजा उसी तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे कुछ गलत चीजें मुंह में डाल के उसको पूरा गंदा बना देते हैं और वही भगवान का हम दुरुपयोग कर देते हैं। तो देखिए कि ये जो व्यसन रहते हैं वो तरुण लोगों में ज्यादा करके लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खुद का, कुटुंब का, समाज का, देश का अधोगति कारण हो जाता है। इसलिए कुछ बड़े बड़े कंट्रीज भी एक मेक के ऊपर वो गेम्स रहते हैं अलग अलग नमूने के, मोबाइल के ऊपर, इसके ऊपर उसकी लत छोटे बच्चों में लग जाती है। वो स्टडी छोड़ के उसमें ही माहिर हो जाते हैं, उसमें टास्क दिया जाता है और उसी में पढ़ के रहते हैं और वो पूरा जो हमारी डेवलपिंग पीढ़ी है उनको क्लोज करने की कोशिश कुछ चाइना बाकी ऐसे जैसे लोग करते हैं, तो उससे जरा दूर रहना चाहिए हमें। हाँ, तो इसलिए संस्कार हम खुद भी करें और दूसरों के बच्चों के ऊपर भी करने की कोशिश करना चाहिए। तो इससे प्रज्ञा अपराध होता है, जब बार बार लेते तो उसके मानसिक उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसको क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आता। जैसे बोलते हैं धी द्रुति स्मृति विभ्रंशा यत कर्म कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्वरोग कारणम। ऐसा प्रकार बोलते हैं कि जो जैसे प्रज्ञा अपराध, जैसे बोलते हैं कि एखादा क्या होता है कि एक बहुत बड़े इसका एक भटजी रहता है,
जिसे बोलते हैं ना हम कि एक बहुत माहिर एक ऋषि मुनि जैसे रहता है, तो उसको क्या करते हैं कि कमरे में क्लोज कर देते हैं। कमरे में क्लोज करने के बाद उसमें एक उसको बोलते हैं कि तुझे तो हम अभी मारने वाले, मरते दम तक तू वो कमरे में रहने वाला है। तो उसको ऐसा बोल के के बाद उसके सामने जो एक तो तू खुद ऐसे तड़प के मर जाए, या बीच में उसको चाकू रख दिया जाता है बीच के टेबल में, और हर एक कोने में एक जगह मांसाहार रखा जाता है, एक जगह एक लास्ट की उस तेरी इच्छा पूरी हो जाए बोल के एक स्त्री को रखा जाता है, और जो कि वो हालांकि ब्रह्मचर्य रहता है। फिर एक बाजू में वो अल्कोहल दारू गांजा ये सभी रखे हुए रहते हैं, और एक बाजू में उसको रखा जाता है। तो उसको टेंशन आता है क्या करूं क्या नहीं, उसको लगता है कि मैं जाऊं ये चाकू से मेरा खून करके दूं, या मैं ऐसा ही दे छोड़ दूं, ऐसा चलता रहता है। लेकिन वो बोलता है कि मैंने जिंदगी में कभी व्यसन ये नहीं किया है, तो देखें कि कैसा रहता है क्या नहीं। उसको टेंशन आने की वजह से वो वहां पे चला जाता है, अल्कोहल का सेवन बाकी का जो भी है वहां पे वो थोड़ा लेने की कोशिश करता है, और जब वो लेता है तो खुद वो नहीं रहता वहां पे, वो साधु संत जो भी कुछ महापुरुष या आइडियल व्यक्ति मत हो, पूरा उसका निकल कर जाता है, उसके ऊपर हावी वो व्यसन हो जाता है, उसके इमोशंस, उसके मूड्स, उसके जो बिहेवियर है, कैरेक्टर पूरा बदल जाता है। फिर उसमें अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो बाजू में देखता है कि वहां पे वो जो मांसाहार रखा है वहां पे जाता है, वो सीधा वो खा जाता है। फिर उसमें राजसिक तामसिक गुण और बढ़ जाते हैं। फिर बाद में वहां पे रखे वाले उस स्त्री की तरफ देखता है, उसका उपभोग लेता है। फिर बाद में एक जगह आके बैठता है। फिर बाद में उसको समझ में आता है, जब थोड़ा होश आता है कि अरे बाप रे मैंने क्या किया। फिर बाद में वो जाके वो चाकू लेता है, खुद को खत्म कर देता है। तो ऐसे ये चीजें, ये प्रज्ञा अपराध उसे कहा जाता है, कि जैसे वो उसको समझ में नहीं आता कि हर बार कोई पहली बार जब लड़का जाता है किसी के साथ तो लेता नहीं है, फिर थोड़ा लेते लेते हमारे थोड़ी सी ले तो कंपनी देने के लिए थोड़ा लेने की कोशिश करता है। फिर बाद में ये होने के बाद उसका एटीट्यूड बदल जाता है, फिर वो बाद में मांगना शुरू कर देता है। वो इतना शुरू करता है कि वो बोलता है कि अरे लाओ, वो जब होटल वाला बोलता है कि अरे पूरी खत्म हो गई अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर वो बोलना शुरू करता है कि रम में राम, विस्की में विष्णु, बियर में ब्रह्मा, और देसी में बजरंग, बोलो बजरंग बली की जय, ऐसा कह के वो कुछ भी वो चलाना शुरू कर देता है। वो क्या पी रहा है उसको समझ में नहीं आता, पूरे शरीर का वाटोड़ा करके 2 साल में उसका काम खत्म हो जाता है। तो उस तरह से मैं हर बार की तरह बोलूंगा कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं अपने किसी घर में के अच्छे से अच्छे जिसको आप प्यार करते हो, जो आपका देह है उसको आप देख सकते हो, जब पहला प्याला तो उसमें आपके घर वाले जो प्रिय लोग हैं उसके चेहरे दिखने चाहिए। फिर बाद में इस तरह से अलग अलग करके आप यहाँ के अपने फोरम के ऊपर जो मेडिटेशन होता है, योगा लिया जाता है, मन के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक्स डिलीवर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड ओपन माइंड हो जाता है, खुल जाता है। और जिसकी वजह से ये देखिए कैसा होता है कि चित्ते भ्रांति जायते मध्य पारात, भ्रांति चित्ते पापमा उपेचे पाक कृत्वा दुर्गति याति मूढ़ तस्मात मध्यम नैव पेयम नैव पेयम नैव पेयम। इस तरह से हमारे शरीर को अधोगति लगने वाली लास्ट के 2 साल समझो, तो व्यसन मुक्ति अगर करने का है हमें तो उस व्यक्ति का जो पुरोटा है वो बंद करना चाहिए। जैसे व्यसन मुक्ति केंद्र में जब डालते हैं हम तो वहां पे उसका पूरा दिन का वहां पे स्ट्रक्चर रहता है, सुबह में उठने के बाद ऐसे ही मॉर्निंग कॉल रहते हैं, योगा मेडिटेशन, फिर बाद में अच्छा खान पान नाश्ता दिया जाता है, विड्रॉल सिम्टम किसको है तो उसको कम मात्रा करते करते उसको वहां पे किया जाता है, फिर टीवी दिखाया जाता है, फिर संगीत डांस वगैरह बाकी से लेके प्रबोधन के ऊपर कुछ लेक्चर्स वगैरह बाकी, पूरा दिन उनका पूरा एंगेजमेंट किया जाता है। वहां पे खेल रहता है, उसको इंस्ट्रूमेंट कोई आता रहेगा तो वो प्रोवाइड किया जाता है, तो अलग अलग उसको एक अच्छे तरीके से किया जाता है। तो खाली उसका ही काउंसलिंग नहीं होता, तो उसका उसके परिवार का सामाजिक उसकी दृष्टि उसका किया जाता है, उसको अच्छा एक लाइफस्टाइल उसकी बनाई जाती है। जब वो व्यसन छोड़ने के बाद 1 महीने बाद जब घर जाता है तो उसी दोस्तों के साथ वो मिक्स नहीं होना, और वो होता है कि उसका फॉलोअप लेने के लिए हर महीने उसको बुलाया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है, और 2 साल तक उसको फॉलोअप लिया जाता है कि वो पूरा छोड़ा हुआ रहता है कि नहीं। क्या होता है कि जब व्यसन अनादिन आदमी रहता है तो वो पूरा उसका व्यवसाय भी डूब चुका रहता है, उसका जो पर्सनैलिटी है पूरे सोसाइटी में उसकी बैड हो चुकी रहती है, तो सोसाइटी बढ़ाने के लिए उसको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, उसको एक मनी प्लानिंग भी बना के देना पड़ता है कि तू समझो इतना। वो क्या होता है कभी कभी कि व्यसन से बाहर आने के बाद लोग बाहर जाके आत्महत्या भी करते हैं कि मेरा पहला कैसा वैभव तो अब मैं क्या हो चुका हूँ, मुझे इतना सारे लोगों की देने की इच्छा है, पैसा देने का है सब लोगों को, मेरे घर में आने वाले अभी मैं क्या करूँ। तो उसको बोला जाता है कि तू जा, जाने के बाद हर एक का देने करी जो है तू उनको जाके खुद मिल, उनके पैर पकड़,
कि बाबा मैंने व्यसन छोड़ दिया है, मैं अभी काम धंधा अच्छी तरह से मैं करूंगा, आपके पैसे धीरे धीरे करके मैं आपको दे दूंगा, मुझे टाइम पीरियड थोड़ा दीजिए। तो जब आप मिलते हैं जाके वहां पे, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसको शुरू कर देता है कि परिवार वालों ने, मित्र परिवार वालों ने, लोगों ने उसको अच्छी तरह से सपोर्ट करके उसको बढ़ाना है। व्यसन छोड़ना ये खाली उसी आदमी का काम नहीं है, तो परिवार और जो मित्र परिवार बाकी जो भी समाज है वो एक सामाजिक समस्या है, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि उसको किस तरह से उसको बाहर निकाले। तो यस, तो ये हिसाब से हम ये धीरे धीरे वो कर सकते हैं। तो व्यसनाधीनता या अफगानिस्तान जो भी बाकी कुछ दहशतवादी संगठन है उससे उनको ज्यादा ये मिलता है, अब जिसकी वजह से, और उससे छुटकारा पाने के लिए सब करते करके जो हमारा फोरम के ऊपर जो भी कुछ चलता है वही वहां पे होता है। चिंता मुक्त जीवन जगह, डाइट प्लान, एक्सरसाइज जब हम लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन, जो खान पान की वजह से जो व्यसन लोग करते हैं तो उसके शरीर में बहुत सारी कमी आ जाती है। इतना न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाते हैं कि उनको पैनक्रियाटाइटिस से लेके आपको डायबिटीज से लेके ब्रेन के फंक्शन पूरा खराब हो जाते हैं, पूरा शरीर का वाटर हो जाता है। तभी ये यहाँ पे 14 प्रकार के जो घटक हमारे हर एक सेल को लगते हैं, तो वहां पे वो पूरा 10 या 15 ही मिलते हैं, तो उसकी वजह से उनके सेल टिश्यू ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, हर एक ऑर्गन का जो फंक्शन रहता है वो इम्पेयर हो जाता है। तो उसकी वजह से वहां पे उसका डाइजेशन पावर भी खत्म हो जाता है, तो कुछ खाता है तो पचता भी नहीं है। तो ये अपना प्री डाइजेस्टेड फूड एज ए बोल के जब हम वहां पे देते हैं तो उसको अच्छी तरीके से पूरे बॉडी में जाके वो न्यूट्रिशन हो जाता है। जैसे ताक, जैसे पृथ्वी का अमृत बोलते हैं, तो वैसे ये जब लेता है तो पूरे इससे सेल्स अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन टिश्यू ये अच्छे बन जाते हैं, रिकवरी उसकी फास्ट हो जाती है जब हम ये हमारा शेक हम शुरू कर देते हैं। तो किस तरह से हमें अंडर वेट, ओवर वेट वो सब तरफ देख के कैसा ये लेने का है, ये हमारे आपके सीनियर में वेलनेस जो है वो बोलते हैं, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स जो हमारे शरीर को लगता है, फाइबर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो उसमें 19 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है कि जो सेलुलर न्यूट्रिशन करके जो हाई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेके बॉडी को पूरा तृप्त बनाता है, और जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में सोया प्रोटीन, व्हे प्रोटीन रहने की वजह से प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन भी उसको नहीं होता, क्योंकि अल्कोहल से उसके किडनी या लीवर अगर खराब हो जाते तो, और उसमें अगर देते तो उसका और बुरा हाल हो सकता है, अलग बाहर का सप्लीमेंट देंगे तो। लेकिन आपने इसमें ये पूरा प्लांट प्रोटीन रहने की वजह से उसको जबरदस्त एक न्यूट्रिशन देता है, और उसका मेंटेन लीन मसल्स, उसके जो मसल्स वीक होते हैं जो ड्रिंक करके ये करके बैड फैट बढ़ता है वो भी कम हो जाता है। शेकमेट में विटामिन डी, कैल्शियम अच्छा मिलने की वजह से उसका बोन ग्रोथ अच्छे तरीके से होता है, स्किन अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, और शरीर की वृद्धि अच्छी तरह से होके पूरे हमारे एक शेक में कम से कम 30 मिलीग्राम प्रोटीन उसके शरीर में चला जाता है। तो उसमें 2 टाइम इन लोगों को शेक मिलना जरूरी रहता है। बच्चों में जैसे ये डायनोशेक वगैरह देते हैं, लेकिन वो अंडर वेट अगर कोई होता है ड्रिंक लेके, तो उसको भी ये डायनोशेक उसमें दे के उनको अच्छी तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि व्यसना दिन में हमारा न्यूट्रिशन का इतना अच्छा काम करता है, क्योंकि व्यसन में वो बैड एम्प्टी कैलोरीज शरीर में जाके उसका शरीर का वाटोड़ा करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, नेस्तनाबूत करते हैं, तो उसको रीजनरेशन करने के लिए हमारा अमृत के समान ये न्यूट्रिशन काम करता है। उसके साथ ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, भाई ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमारे शरीर के खान पान से या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से वो खान पान वो जो खाता है वो पचता नहीं है, और शरीर को न्यूट्रिशन वो नहीं ले पाता, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट न्यूट्रिशन और अपना ये विटामिन मल्टीविटामिन जब लेते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा बढ़ जाता है, उसके 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसमें रहते हैं। तो जैसे ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कि पूरे बॉडी को ओवरऑल वेलबींग्स वो देते हैं और अच्छे तरीके से हो जाता है। तो स्लीप डिसऑर्डर जब उसको होता है, अलग अलग उसको सपने बैड पड़ते हैं, नींद नहीं आती, विड्रॉल सिम्टम्स में, तो उसमें हमारा जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हर्बल हेल्पलाइन जो है उसको ब्रेन को एक अच्छा न्यूट्रिशन देता है, हार्ट को और ब्रेन को ये जबरदस्त ये करता है कि डॉक्टर लुइस लिग्नारेंडो ने ये जो हर्बल हेल्पलाइन बनाई है तो उनको नोबेल प्राइज विनिंग उन्होंने किया है। और अल्कोहल से जो शरीर में इंफ्लामेशन हो जाता है कहीं पर भी जाके, और वहां से फिर उनको अलग अलग बीमारी का माहिरगर उसका शरीर बन जाता है, तो ये एंटी इंफ्लामेटरी काम करके शरीर को एक प्रकार की इम्यूनिटी बिल्ड स्ट्रेंथ देता है, और एक ब्रेन का फंक्शन अच्छी तरह से बना के नींद आने में उसको मदद कर देता है।
उसके साथ ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्रेन, बाकी के जो लिबिडो या सेक्स में उसको प्रॉब्लम आ जाता है, या पूरे बॉडी में उसको वेजो डायलेशन करा के, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है जब अल्कोहल लेता है कोई, बाकी का ये हो जाता है, तो वेजो डायलेशन करके हर एक पार्ट को, ऑर्गन को, टिश्यू को, या अच्छा विटामिन सी ई फोलिक एसिड और अपने न्यूट्रिशन वहां तक पहुंचे, उसकी वजह से नेटवर्क अच्छा काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से अच्छी नींद उसकी आती है, हृदय के जो फंक्शन उसके अल्टर्ड हो जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, ब्रेन के फंक्शन को अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा स्टिमुलेशन मिलने की वजह से उसको नींद भी अच्छी तरीके से आ जाती है, इस तरह से वेजोडाइलेशन का काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ब्रेन हेल्थ जब हम देते हैं उसको, तो जो कॉग्निटिव फंक्शंस उसके रहते हैं वो जब इम्पेयर हो जाते हैं, तो उसमें भी ये जबरदस्त काम करना ब्रेन हेल्थ में, जो हमारा भ्रामी है बाकी ये काम करना शुरू हो जाते हैं। उच्च अच्छे अच्छे से अच्छा वाटर देना चाहिए, जिसकी वजह से जो उसके शरीर की में जो टॉक्सिन्स बने हैं ड्रिंक्स की वजह से, जो एम्प्टी कैलोरीज या बैड फैट्स बन चुके हैं, उनका अच्छे तरीके से बाहर पड़ने के लिए हम उनको हाइपोग्लाइसिमिया होता रहता है, बार बार वो चक्कर आके पड़ते, तो ऐसे टाइम उनको हाइड्रेट हम अगर देते हैं तो अच्छे तरीके से उनको विटामिन B1 B2 ये भी जाता है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स उसका इम्बेलेंस जो होते रहता है, जिसकी वजह से उल्टिया होती है किसको ड्रिंक करने के बाद, तो थकान आ जाती है, दूसरे दिन वो पड़ते हैं किधर भी, दो दो दिन उठते नहीं है जगह पे, तो उनको ये हाइड्रेट जब हम देते हैं तो उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस दूर होके वो अच्छी तरह से चलना फिरना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये स्किन बूस्टर, जो शरीर में पूरा शरीर में का जो कैल्शियम विटामिन बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और त्वचा भी एकदम काल की पड़े जैसी निस्तेज ऐसे बन जाते हैं, तो जब स्किन बूस्टर लेते हैं तो पूरे ओवरऑल बॉडी का उनका न्यूट्रिशन हो जाता है और पूरी बॉडी फिट एंड फाइन बन जाती है। और जब अल्कोहल से पूरा जो हमारा लीवर डाइजेस्ट सिस्टम बर्बाद हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हर्बा एलो कॉन्सेंट्रेट जो अपना है, एलो प्लस है, जब ऑपरेशन में लेते हैं या सेपरेट हम लेते हैं, तो जिसकी वजह से गैस्ट्रो इंट्रेस्टाइनल ट्रैक एक अच्छा होता है, मोशन अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, अब्सॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, जो विलाइज हमारे रहते हैं वहां के, तो विलाइज में भी ताकत आ जाती है, कि जैसे उसमें हम अपना प्रीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, कि जैसे सिंपली प्रोबायोटिक सैचेट भी हम अपना न्यूट्रिशन में डाल के उसको दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो अंडरवेट रहता है, तो जिसके पेट में कि उसके विलाइज या वहाँ का बैड एनवायरनमेंट बन जाता है तो वो भी अच्छा उससे बन जाता है। तो देखिए कैसे ये डाइजेस्टिव पावर को भी इंक्रीज करता है, इम्यून बॉयल फंक्शन अच्छा करवाता है, जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकाल के देता है, जो अल्कोहल की वजह से पूरे बॉडी में टॉक्सिन्स कहीं पे रहते हैं तो वो खींच के वो टॉयलेट की जगह से वो खींच के बाहर निकाल देता है, तो जिसकी वजह से डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा सुधरता है। और जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं लीवर खराब होना, वो तो एक्सट्रैक्ट करके यकृत उत्तेजक काम करती है, कोरफड़ जिसे कुमारी बोलते हैं, कुमारी आंसू बाकी ये सब मिलते हैं, तो यकृत को एक अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा जो सूजन आ जाता है, हिपेटोमेगाली होती है, जो बोलते हैं हमें लीवर डैमेज होते रहता है, इसोफेजियल वाइसिस बनते हैं, लीवर सिरोसिस होता है, तो ये जब हम लेते हैं एक टू टू टैबलेट या चार चार ढक्कन सुबह शाम खाली पेट, तो वो लीवर के ऊपर अच्छा काम करके वो वहाँ का पोर्टल प्रेशर भी कम करता है, वहाँ पे जो हिपेटोमेगाली में स्वेलिंग इन्फ्लामेशन होता है वो भी खींच के बाहर निकाल के देता है, नॉर्मल लीवर करने में ये जबरदस्त काम करता है। तो अलग अलग ये अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, जब क्रेविंग्स होती है उनको लेने की अल्कोहल या बाकी कुछ वो व्यसन लेता है वो, तो जब उसने ज्यादा करके अफ्रेश की मात्रा ज्यादा बढ़ानी चाहिए, तो जो उसमें का कैफीन रहता है वो हमें अलर्टनेस बढ़ा देता है और ज्यादा करके उसकी तरफ ध्यान जाने की वो ध्यान देता नहीं उसकी तरफ, और अच्छी तरीके से वो धीरे धीरे दिन में अगर वो 2 बार लेता है तो आफ्रे जब जब शुरू होता है उसका, या हर बार कंट्रोल जब सुबह में लेता है तो वो दिन में एक ही बार वो लेना शुरू करता है, दिन में वो भी बंद कर देता है, और अच्छी तरीके से हमारा अलर्टनेस, एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और रिफ्रेशिंग एजेंट बोल के ये काम करता है। तो देखिए हर बार कंट्रोल में भी ब्लैक ग्रीन ओलोंग टी जो है उसमें 80 मिलीग्राम कैफिन है पर टैबलेट, और जब हम वो सर्विंग लेते हैं अफ्रेश का तो उसमें 40 मिलीग्राम है, और ज्यादा ज्यादा हम कितना कैफीन लेते हैं, 400 मिलीग्राम दिन में अगर हम कैफीन ले सकते हैं, वो सेफ तक रह सकता है, उन लोगों को कैफीन की मात्रा ज्यादा होता है। तो हर्बा कंट्रोल जो रहता है वो ब्लेंड ग्रीन, ब्लैक एंड ओलोंग टी, ये तीनों का ही मिश्रण होता है, इसमें पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं कि पॉलीफिनॉल्स की जो नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन, प्रोवाइड थर्मोजेनिक बेनिफिट, इंक्रीज एनर्जी, अलर्टनेस, स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म वो स्टिमुलेट करता है, तो जिसको वेट लॉस जल्दी से करना है, दोपहर में जो सोते हैं बाकी का भी रहता है, इन लोगों में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। जिंजर एंड पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट सपोर्ट डाइजेशन, इसमें
जिंजर और पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी रहता है, तो आपको पता है पोमोग्रेनेट और जिंजर ये किस तरह से काम करता है। और ये थोड़ा एक्सरसाइज योगा वगैरह बाकी उसे योगा से शुरुआत करते हैं, मेडिटेशन योगा योग निद्रा ऐसे देते देते उनको अलग अलग तरीके से उनको एक्सरसाइज करके उनका जो मसल मास ग्रोथ करने के लिए उसको स्टिमुलेट किया जाता है, और फिर बाद में उनको एक अच्छा लाइफ दिया जाता है कि जिस तरह से सूर्य नमस्कार ज्यादा करके आप वो करते हैं। कल अच्छा सूर्य नमस्कार का टॉपिक हो गया कि जैसे उसमें जब हम कोई मंत्र मनते तो उसमें वो मंत्र से जो हमारे शरीर में आत्मिक तरीके का व्यायाम होता है, और जो सांस लेते लेते जब हम करते हैं शास्त्र शुद्ध पद्धति से सूर्य नमस्कार करते हैं, कहाँ पे सांस लेना है कहाँ पे छोड़ना है, तो उसमें तीन प्राणायाम के आवर्तन होते हैं जिसकी वजह से मानसिक व्यायाम होता है। और जब आसन अलग अलग नमूने करते तो उसमें सात आसन आ जाते हैं, तो सात आसन की वजह से शारीरिक यानी हमारा शरीर शरीर मन और आत्मा से बनता है, तो शारीरिक मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों का व्यायाम सूर्य नमस्कार में आ जाता है। इसलिए सर्वांग सुंदर सर्वांग परिपूर्ण व्यायाम प्रकार जैसे बोला जाता है कि आदित्य नमस्कार है ये कुर्वंती दिने दिने दीर्घ आयु बलम वीरियम तेजस वर्धते और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम। देखिए अकाल मृत्यु हरण जो अकाल मृत्यु को आते ना अटैक आया गया बाकी कुछ तो वो आते नहीं है, और सर्व व्याधि जो शरीर में निर्माण होते हैं उससे वो छुटकारा देता है क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ के सब टिश्यू का ऑर्गन का सब फंक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार से हमारे बालों से लेके पैर के नाखून तक सभी प्रकार के टिश्यू के ऊपर एक अच्छा प्रेशर आके सभी का व्यायाम वहां पे हो जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, उनको बाहर निकालने की ज्यादा ज्यादा कोशिश कीजिए, और बेनिफिट्स उसके ऊपर स्वस्वरूप की जाने हो पूर्व के लिख के देते कि आप छोड़ सकते हो क्योंकि हम उसी ईश्वरीय तत्व का अंश है, और खाली ये जो हमारा शरीर है इस धरती पे मिलने वाला हमको वाहन है, इस तरह से जब हम उनको बोलते हैं तो उनको स्वस्वरूप की जाने निर्माण हो जाती है, और प्रकृति पलीकड़े पाने की उनकी जब दृष्टि आती है तो उठ खड़ा होता है कि हम ब्रह्मास्मि। कि जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटा सा जो सिंह का बछड़ा रहता है वो बचपन में ही माँ से बिछड़ जाता है और एक मेंढपाल के इसमें चला जाता है, सब मेंढा रहते हैं उसके साथ वो घूमना फिरना शुरू करता है, तो बाकी का देखता है कि वो मेंढा ब्याह ब्याह करता है तो वो भी देख के ब्याह ब्याह करता है, फिर बाद में गवत वगैरह बाकी जो खाते हैं ना घास फूस वो भी घास फूस खाना शुरू कर देता है। लेकिन एक बार वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो एक बड़े सिंह की जंगल के राजा की एक जो रहते ना आईसाइट उसके ऊपर गिर जाती है, तो देखता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसको शायद वो समझ में आ जाता है। जब वहां पे डलकारी फोड़ के वो वहां पे आता है तो सब मेंढा है वो ब्याह ब्याह करते उधर सहरा वगैरह भागना शुरू कर देते हैं, वो भी देख के वो भी ब्याह ब्याह करते भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो झपट पड़ता है उसको उठा के वो जंगल में ले जाता है और एक तालाब के बाजू में रखता है, फिर देखता है देख तू कौन है। जब वो देखता है तो पहले पानी में तो खुद डर जाता है, अरे बाप रे शेर आया भागो, वो बोलता है खुद तू है। जब उसको खुद की जानी होती है तो बड़ी ऐसी डरकारी फोड़ता है कि मैं एक अहम ब्रह्मास्मि बोल के मैं ईश्वरी तत्व का उसी का अंश हूँ, मैं सामान्य नहीं हूँ, ये सामान्य जो मैं खुद को देख रहा हूँ ये खाली इसी जन्म का तो ये मेरा अज्ञान है, तो मैं एक अमर शाश्वत सर्वशक्तिमान ऐसा आत्म तत्व हूँ कि जो मेरा काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये तो मेरे इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से चिपके वाले बाहर से आए वाले हैं, मेरा खुद का जो अंदर का है वो मैं हूँ कौन, मेरे जो गुण है वो आत्मगुण है जिसमें ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति ऐसे मैं ये मेरा भंडार है, जब समझ में आता है तो वो कहीं से भी वो छुटकारा पाता है। और राजयोग मेडिटेशन में वही सिखाया जाता है जिसमें लॉ ऑफ मेडिटेशन इज जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, हम लोअर पोटेंशियल रहते हैं, जब हायर पोटेंशियल को हम मानसिक रूप से वहां पे जाते हैं तो हम रिचार्ज हो जाते हैं, फिर हमारा जो ब्लैक ऑरा है वो सर्कल हमारा व्हाइट बन जाता है, और हमारे ऑरा में जो भी लोग आते हैं तो उनको हम प्रसन्न फिट और फाइन बनाते हैं। इस तरीके से हम रिचार्ज करने का जब हम कोशिश करते हैं, इसके ऊपर एक घंटा लगेगा बोलने करें तो हम उसके ऊपर बाद में कभी बात कर सकते हैं। तो उसकी वजह से डोपामाइन सेरोटोनिन ये हॉर्मोन्स हैप्पी हॉर्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं, अलग अलग नमूने के जो भी सुदर्शन क्रिया है मेडिटेशन है उसकी वजह से ये हो जाता है, और जिससे ये लगना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों को अलग अलग तरीके का आध्यात्मिक नॉलेज देना पड़ता है जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से स्ट्रांग बनते हैं और फिर वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग ये हम उसके ऊपर बात करेंगे ये सोशल। फिर वही जब वो आत्मचिंतन करवाना चाहता है तो आत्म शोध उसको होता है कि मही मैं ब्रह्म तत्व का अंश हूँ, लेकिन ये भी उसको समझाया जाता है कि बाबा तू जैसे वैसे ये वनस्पति सृष्टि और प्राणी सृष्टि भी उसी ईश्वरीय तत्व का अंश है, तो अहम ब्रह्मास्मि जैसे खलविदम ब्रह्मम जैसे वो वहां पे कनेक्ट होता है वैसे हो आजू बाजू के पूरे एनवायरनमेंट से भी वो कनेक्ट हो जाता है कि वो सब मैं हूँ।
और फिर बाद में वो इस तरह से लोगों से बिहेवियर करता है कि वो आत्मकल्याण उसका अपने आप हो जाता है और वो निष्काम भावे कर्म करता है, वो कर्मयोगी बनता है, फिर बाद में वो विश्व कल्याणी बन जाता है। तो जो अपनी संस्कृति इतनी महान है कि जो हम अध्यात्म बोलते हैं कि वो आदमी के ऊपर इतना संस्कार अच्छा डालती है कि वो खुद से आत्मकल्याण से लेके विश्व कल्याणी बन जाता है। तो इतना जबरदस्त ये सब है, इसके ऊपर भी हम कभी बात कर सकते हैं। तो ब्राह्मी जो है हमारी, वो एक अच्छी तरीके से ब्रेन की फंक्शन अच्छा सुधार देती है और अलग अलग हमारे मेडिटेशन में भी ये यूज करते हैं। इम्यून सिस्टम उसका अगर खराब होता है, सर्दी बाकी और कुछ, तो ये अपना इम्यून हेल्थ उसको काम करता है। जो बार बार बीमार पड़ते हैं उनके शरीर खराब होने की वजह से, तो रिकवरी होने के लिए उनको एक 6 महीना जाने वाला है, तो तब तक ये हम इम्यून हेल्थ देख के उसको अच्छी तरह से रिकवर कर सकते हैं। देखिए कि एक वेलनेस कोच कैसे व्यसनाधीन आदमी का व्यसन छोड़ के उसको पूरी रिकवरी बना के उसको कैसे काउंसलिंग करके उसको, उसके परिवार को, उसके मित्र परिवार को काउंसलिंग करके उसको कैसे नई लाइफ दे सकता है और वो उसके 3 पीढ़ियां उसके सुधार सकता है और आशीर्वाद ले सकता है। आपने इसमें देखा है जब उसको ये व्यसन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिबिडो, उसके बाकी की जो भी सेक्सुअल हेल्थ खराब हो जाता है, तो आप वहां पे मेल फैक्टर भी उसको यूज करके उनको अलग अलग तरीके से ये कर सकते हैं। और उसमें ज्यादा से ज्यादा उसे से नो करना है। तो हमारे यहाँ पे आने के बाद पीस ऑफ माइंड तो मिलता है, मनी, रिलेशनशिप, आचार, रिकॉग्नाइजेशन, हेल्थ, ये सभी चीजें अपने फोरम के ऊपर रहता है। और जब हम इस तरह से कौन से भी क्षेत्र में काम करते हैं और हम वेलनेस इंडस्ट्री में सुबह अपना योगदान देते हैं, तो हमारे शरीर का विनियोग होना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे विनियोग में बोलते हैं ना कि तैसे मुखी ब्रह्म नाम, हाथी ते सात्विक काम, पर विनियोग भी ना विफल हो। आप जितना भी पैसा है आपके पास, जितना भी बड़े बड़े डिग्री है, जितना भी कुछ आप बन चुके हो, लेकिन आपका यूज आपके समाज को में होता है तो उसका कोई ही मतलब नहीं है। आगे चल के आपको वहां पे दुआ मिलने वाली नहीं है, जो करेंसी ऊपर जाके चलने वाली है। तो आप एक तो आरोग्य मिले, मैं आप सभी लोगों ने मेरी जो ये सुना है, तो मैं बोलूंगा कि आपको एक अच्छा हेल्थ, अच्छा ऐश्वर्य, ये सब मिले, और आपके मिलने वाले आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करे। थैंक यू ऑल माय सीनियर्स, लीडर्स वगैरह, बाकी ये सब कि मेरा आपने एक साइलेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आनंद सर, बहुत ही अच्छी नॉलेज दी आपने, इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि आज के उसमें बाहर बाहर देखा जाए, लेकिन मैं फीडबैक देना चाहूंगी कि इस फैमिली में आने के बाद पहले मुझे पेपर पढ़ने की बहुत आदत थी। जैसे कि अभी सर ने बोला व्यसन, तो व्यसन मुझे यही थी, पेपर पढ़ना, चाय पीना, तो ये गंदी आदतें थी। और पेपर पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं और दिन भर हम उसी के बारे में विचार करते हैं। तो ये अपने इस फोरम में आने के बाद मेरा ये बिल्कुल से जो बुरी आदतें हैं ना, जो हम पहले पेपर में, टीवी में कोई न्यूज सुनते थे और उसके बारे में जो हम विचार करते थे, वो बिल्कुल से चली गई है। और मुझे चाय, व्यसन बोलने के बाद मुझे चाय का बहुत ही व्यसन था, जो मैंने वो बिल्कुल इधर आकर के सच में, मतलब अपने इस फैमिली में आने के बाद जो अपनी पॉजिटिव माइंड हुआ है, उससे बहुत ही अच्छी अच्छी आदतें, जो बुरी आदतें थी, जो पेपर पढ़ के हम लोगों का विचार करते बैठते थे, तो वो सब आदतें मेरी चली गई हैं। और अभी बिल्कुल ऐसे मुझे ऐसे उसके बारे में, जैसे कि आज सर ने टॉपिक लिया, तो बिल्कुल ये सब विचार बिल्कुल से चले गए थे। आज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सच में ये सब है अपने मतलब पूरे दुनिया में, लेकिन अब बिल्कुल बिल्कुल याद भी नहीं आती उस चीज की हमें। तो चलिए सर फीडबैक देंगे। मैडम, जैसे मैडम ने बोला है कि पेपर का न्यूज है, तो जो टीवी की जो हम न्यूज सुनते हैं, तो हमारे शरीर में दिन में कैसे नेगेटिव विचार आ जाते हैं, ये कि अगर कुछ हुआ तो या ऐसे हो गया, वैसे हो गए। मतलब पहले के जमाने में पेपर भी नहीं था, और जो न्यूज रेडियो में सिर्फ आता था, मतलब किसी किसी के बड़े घर में सिर्फ रेडियो रहता था और उससे बड़े घर में टीवी रहती थी। और आप तो कैसे हो गए कि घर में चार चार पांच पांच टीवी हो गए, और पेपर जो है जिसको जो पसंद है, मतलब कि जैसे कि सास को एक पसंद है, ससुर को एक पसंद है, बेटे को पसंद है, मतलब घर में पांच पांच छह छह पेपर आते हैं। और हम क्या करते हैं उसमें से, हम अच्छी जो उसमें रहता है, अच्छा आर्टिकल रहता है, अच्छा खाना कैसे बनाना वो लिखा रहता है, अच्छी बातें हम कभी पढ़ते नहीं है। जो फ्रंट पेज पे क्या लिखा रहता है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वहां ब्लाम बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ नशीली जहरीली दवा खा के लोग मर गए, हम पहले वही पढ़ लेते हैं। मतलब हमारा शरीर कैसे दो करता है, अच्छे भी काम करता है और बुरे भी करता है, हमारा जो जो मींदू बोलते हैं। तो ज्यादा पहले हम क्या करते हैं, देखिए जैसे सर ने बताया कि हम बाजार में चलते तो हम अच्छी अच्छी चीजें कभी लेते नहीं, हम पहले बुरी चीज लेते हैं, बुरी चीज की तरफ ज्यादा ज्यादा बढ़ते हैं। तो वैसे है कि जो बारो जो सर ने बताया कि जो आज का जो युवा पीढ़ी है, या तो बच्चे है या तो जो लड़कियां हैं,
वो भी थोड़ा सा व्यसन या रहने दो, तो गंदी जो गलत आदतें उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। तो हम इसलिए जो फोरम ने जो बनाया कि चलिए अगर एक घंटा वो यहाँ पर मेडिटेशन कर लेते हैं, योगा लेते हैं या तो एक्सरसाइज लेते हैं, जो हमारा खान पान का है, जो हम जो न्यूट्रिशन जो लेते हैं, तो हमारे मन में वो निगेटिव विचार भी नहीं आते आते हैं। और जो फोरम, जैसे कि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही बनेंगे ना, अगर थोड़े थोड़े बुरे से लोगों के साथ जाए तो बुरा ही बनेंगे। तो वैसे है, तो सर ने बहुत मतलब बहुत बढ़िया नॉलेज तो दिया है, सेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। सर ने लिया और बहुत, अभी जैसे कि आज का सब जो टॉपिक था, तो अब अभी सर ने बताया कि अगर किसी को व्यसन है तो उसे भी हमें कैसे दूर करना है, हमें उन्हें क्या देना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से सर ने नॉलेज दिया है। और बहुत मतलब हैंड रेस भी है, किसी को कुछ क्वेश्चन भी होगा इस सब्जेक्ट पे तो उन्होंने हैंड रेस करना है, और किसी का बर्थडे है तो उन्होंने भी हैंड रेस करना है। तो चलिए रमा मैम का हैंड रेस है। यस यस यस, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अनिल सर मुझे पहले बार बार, हम जब कहीं जाते थे एक दोनों मिलके, तो बार बार बोलते यार हमारी बीबी बहुत पेपर पढ़ती है यार, हर एक सुबह में जो रहता है वो सकाल पेपर रहता है, दोपहर में अगर देखेंगे तो पुण्य नगरी रहता है, तीसरे में महाराष्ट्र टाइम्स रहता है अलग अलग। तो जब मैं उठता हूँ तो उठने के बाद वो पहले पेपर लेके बैठते, फिर मुझे चाय लेके देना पड़ता है उनको, फिर वो चाय पीने के बाद, फिर बाद में वो जब नहाना धोना करते तब तक मुझे क्या नाश्ता बना के रखना पड़ता है, फिर बाद में वो आते हैं, फिर वो पेपर खोल के नाश्ता करते करते पेपर पढ़ते हैं, फिर बाद में मुझे वो धोना बर्तन करके स्कूल जाना पड़ता है, फिर बाद में जब आता हूँ तो फिर मुझे दोपहर का खाना बनाना पड़ता है, तब तक वो दूसरा पेपर पढ़ती रहती है, खाली उसका काम खाना पेपर पढ़ना और सोना, इतनी नहीं थी। तो इतना व्यसन था, लेकिन अपने फोरम पे आने के बाद वो पेपर का नाम नहीं लेती, निगेटिव चीजें वो देखती नहीं, और हर एक को उतना नहीं तो वो खुद सब आप कर रही है बाकी का सब चीजें वगैरह कैसा। मैं एक थोड़ा सा चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन एक अलग, आप सही बोला आपने कि व्यसन खाली इसी चीजों का नहीं रहता, तो अलग अलग चीजों का रहता, किसी को मूवी देखने का है, बच्चों में जैसे गेम खेलने का है, तो ऐसे अलग अलग व्यसन रहते हैं कि जो अपने शरीर के ऊपर हावी करके हमारा जो जिंदगी का अच्छा टाइम, अच्छा वक्त, हम अच्छी चीजों को ना देके वही गलत चीजों के ऊपर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी को, जीवन को अधोगति मिलती है, तो वो सब व्यसन में काउंट कर सकते हैं। यस थैंक यू सर। एक बात ऐसे कि जैसे कि सर ने बताया कि जो भी चीज है कुछ गंदी मतलब बुरी रहने दो या अच्छी रहने दो, अगर हम उसके उसकी एक बार हमें आदत लगती है ना वो जल्दी छूटती नहीं है, इसलिए तो हम क्या करते हैं कि 21 डे चैलेंज क्यों रखते हैं, अगर कोई भी चीज अगर 21 दिन तक हम रेगुलर करते हैं तो उसकी एक आदत सी बन जाती है, इसलिए हम जो 21 डे जो चैलेंज रखते हैं किस लिए रखते हैं, हम 30 दिन का भी रख सकते थे, 45 दिन का रख सकते थे, या तो 15 दिन का रख सकते थे, क्यों रखना है, तो अगर कोई भी चीज 21 दिन तक कोई करता है, जैसे कि वॉकिंग करना है या कोई भी करता है, तो उसे एक जैसे उसकी आदत लगती है, इसलिए हम जो है हम जो हमारा फोरम जो है 21 डे चैलेंज रखता है, अगर आप 21 दिन में कुछ ये अच्छी आदतें करते हो तो आपको हैबिट, सुबह समझो 21 दिन का सुबह में 5 बजे उठना है 21 दिन तक, तो 22वें दिन उसको अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो शरीर अपने आप उठता है, 21 दिन को सुबह हमें एफ्रेश लेना है तो अपने आप ले लेता है, 21 दिन तक हमें 9 बजे फ्यूल लेना है तो 9 बजे वो फ्यूल मांगता है अपना शरीर, मतलब वो अच्छी आदत लगने चालू हो जाती है, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर कोई शराब पीता है तो एक दिन पीने के बाद उसको आदत लगती नहीं है, वो हर रोज थोड़ा 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 पीता है और फिर बाद में उसको लगता है बहुत अच्छा लगता है, वो उसकी आदत बन जाती है, इसलिए जो है ना कोई भी अच्छी आदत आपको चालू करनी है तो कम से कम 21 डे तक आपको कंटिन्यू करना, चाहे कुछ भी हो जाए 21 दिन मुझे करना ही करना है, आप 22 के दिन देखिए फिर आपको उसकी आदत लग जाएगी और अपने आप हो जाए। यस चलिए रमा मैम का हैंड रेज है। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल। टॉपिक तो हमेशा की तरह अमेजिंग ही हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बोलना चाहती हूँ कि आज ये टॉपिक जो है उसकी बहुत ही नीड थी, क्योंकि अभी छोटे बच्चों में कोविड के कारण जो मोबाइल का व्यसन लग चुका है, या फिर जो मतलब बड़े लोग हैं उनमें कुछ अलग व्यसन रहते हैं, तो एक मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब से हमारे सर अफ्रेश ले रहे थे उनका जो चाय का व्यसन था, चाय का, तो वो कम हो गया है। और दूसरा चीज ये है कि मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि पहले तो जो व्यसन करते हैं तो वो एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, हाँ, तो एंजॉयमेंट लीड्स टू हैबिट, हैबिट लीड्स टू एडिक्शन, एंड एडिक्शन लीड्स टू डेथ। मतलब जब एंजॉयमेंट के लिए पार्टी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या फिर और अल्कोहलिज्म करते हैं, मतलब ड्रिंक्स लेना वगैरह, कभी अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, कभी भाई रहेंगे तो उनके साथ जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, और उसके बाद में क्या होता है, लेते 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 अगर वीकली वो
दो बार ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं, तो धीरे 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 ऐसे होता है, उनको हैबिट बन जाती है। फिर उनको वीकली 3 बार 4 बार भी लगता है, वो अल्कोहल रहे या फिर स्मोकिंग रहे, कुछ भी सिगरेट स्मोकिंग रहे, और फिर धीरे धीरे वो जो हैबिट है वो एडिक्शन में बदल जाती है। मतलब अगर वो चीज वो ग्रहण नहीं करे तो उसकी वजह से उनको तकलीफें होने लगती है, जैसे कि हेडेक होना, बदन दर्द होना, चिड़चिड़ापन आना, किसी को झगड़ने करने की इच्छा होना, तो ये सब जो चीजें होती है ना, फिर इसे हम एडिक्शन बोलते हैं। तो वो चीज के बिना वो आदमी रह नहीं पाता है, भले वो गलत किए हो ना हो, उसके उसके सामने उसको उसकी फैमिली नहीं दिखती है, उसके माँ बाप नहीं दिखते, बच्चे नहीं दिखते हैं, और वही एडिक्शन उसको डेथ की तरफ लेके जाता है। इसी तरीके से वो ऐसे एडिक्शन करते रहा तो डेफिनेटली उसका डेथ तो तय है, और उसके बाद में उसकी जो फैमिली की हानि होती है, जो उनके ऊपर मानसिक जो मतलब क्या बोलते हैं संकट आता है, वो बहुत अलग किस्म का रहता है। मैंने बहुत ऐसे पेशेंट देखे हैं मेरे पास, हर कुटुंब में से जो पेशेंट आते हैं, तो बहुत सी बार मैंने देखा है कि औरतों को खेत में काम करके दिन में वो जो 200-300 रुपए लाती है, उसमें का कुछ उसको अपने पति को दारू पीने के लिए देना पड़ता है। मतलब जो ऐसे होता है बाहर, मतलब वो आदमी काम भी नहीं करता है, दारू पीने के लिए पैसे भी पत्नी से ही मांगता है, दारू पी के आने के बाद उसको ही बड़ा के निकालता है, और बच्चों का जो खाने का पैसा रहता है वो सब पीने में घलाता है। तो ये बहुत ही बुरी चीज है, मतलब क्या बोलूं, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक हुआ आनंद सर, और मैं चाहूंगी हर एक मंथ में आप ये टॉपिक लो, और जो खुद इस व्यसन से बाहर निकला है वही ये टॉपिक ले सकता है, क्योंकि खुद चेंजेस किए बिना हम लोगों को बता नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अभी मेरे भी कुछ व्यसन थे, मतलब कैसा है मुझे भी मतलब ऐसे बहुत मतलब काम में ही रहना, ये क्या बोलते हैं हम उसको वर्कहोलिक जिसे बोलते हैं ना, तो मुझे टीवी देखना पसंद नहीं था, म्यूजिक सुनना पसंद नहीं था, सिर्फ काम काम और काम, मतलब लाइफ में एंजॉय कैसे करना है मुझे पता नहीं था। तो जो भी आदमी मेरे साथ में रहेगा तो वो बोर होते थे, मैं चाय नहीं पीती थी, पिक्चर नहीं देखती थी, किसी भी चीज का। लेकिन अभी फैमिली में आने के बाद हम म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं, डांस का आनंद ले रहे हैं, उसके साथ ही साथ में जैसे अभी अनिल सर ने बताया कि 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके अलग अलग टास्क करके हम हमारा हेल्थ मेंटेन करके रख रहे हैं। सैलड का जो हैबिट था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब पता था सैलड खाना है लेकिन मैं डेली नहीं खाती, तो अभी इस फैमिली में आके जब मैं 21 डेज वेट लॉस मैराथन, अभी भी मैं वेट लॉस मैराथन और क्वीन चैलेंज में पार्टिसिपेटेड हूँ, भले वो मेरा 9th और 8th मैराथन है, ये चैलेंज है, लेकिन मैं वो जरूर करूंगी। यस थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। और जैसे मैडम ने बताया कि कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ करता नहीं तो फिर इसमें इसमें कुछ रस नहीं लगता है। कभी कभी हम भी जाते हैं ना, मतलब दोस्तों के साथ जाते हैं तो हम चलो हम कुछ, हमारे पास तो कोई बुरी आदतें नहीं है, मगर जब जब बुरे दोस्तों के साथ जाते हैं और बुरे उनके जैसे हम आदतें नहीं करते तो उनको बुरा लगता है, यार एवढं करायचं असते एवढं सगळं दिलेलं आहे मग किस लिए नहीं करते, तुम पीना चाहिए खाना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी रहते कि वो समझ के लेते कि नहीं है, नहीं करता ना तो मत करने दीजिए, नहीं करता है ना मत करने दीजिए। मुझे भी बहुत गाना सुनने की आदत था, कभी कभी ड्राइविंग करते जब मैं करता था 8-8 घंटे में, मतलब नॉन स्टॉप। लोगों को लगता है कि जब लोग ज्यादा ड्राइविंग करते तो उनको मतलब पूड़ी खाने की आदत होगी, तंबाकू खाने की आदत होगी, अल्कोहल कुछ होंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ से 400-500 किलोमीटर रनिंग भी करते थे, क्योंकि हमको कैसे अच्छी आदतें जब रहती अपने मालूम है, अगर कुछ बुरा करते तो बुरा होता है, सबको मालूम है, मतलब उसके उसके ऊपर लिखा रहता है, शराब पीने से आपको कैंसर हो सकता है, मतलब पूड़ी खाने से आपको कैंसर हो सकता है। अभी अभी तो मैं तो ये सुन रहा हूँ कि जो शक्कर रहती है अपनी उसके पैकेट के ऊपर भी लिख के अब आ रहा है, मगर लोग मतलब लोगों को पता है कि ये बूंदी गरी है, बुरा है, इससे ये हो सकता है, मगर लोगों ने अपने शरीर को इतनी आदत लगा ली कि चलो जो होगा सो होगा, एक बार तो जीना है ना। मगर लोगों के मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी दोबारा नहीं आएगी, एक बार चले गए तो फिर से नहीं आएगी, हम उसको सिर्फ बचा, हाँ मतलब सब लोगों को जो जो लोग आया है तो उसे तो जाना ही जाना है। भविष्य सांगितलेलं आहे, जसं सूर्य उगवतो, कारण सूर्य कसं आहे, सूर्य और जो चंद्रमा आहे वो चिरकाल है, उनको कभी मरण नहीं है। वैसे हम कसं आहे, जो भी आदमी आने वाला मतलब जो जन्म है उसे एक ना एक दिन उसे मरना है, मगर कैसे मरना है अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो आया और चला गया उसकी कोई कीमत नहीं है, जो कुछ करके जाएगा नाम तो उसको कुछ कीमत है। वैसे ही अपने को जो मतलब कैसे लोग क्या करते हैं, वो तो क्या है यार दारू पियला असेल कुठ दारू पिऊन मेला असेल। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई
रास्ते पे कोई अगर आदमी पढ़ता है, मतलब चेक करा के, जैसे कि उसको समझे कि अभी अपने भाषा में बताता हूँ, जिसका कि कोई माल न्यूट्रिशन है, उसको वीकनेस है और वो चेक करके कहीं गिरता है, तो लोग क्या बोलते हैं उसको, अरे यार क्या दारा दारू पीन पड़ ला चलते जाओ दे सुडून दिया, मतलब लोगों का वैसे आदत हो, मतलब लोगों का ऐसा लगा कि कोई गिरता है कोई पड़ता है तो उसको लगता है कोई बुरी आदत उसको है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने को देखना है कि हम कैसे है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम बुरे रहेंगे तो हमारी पूरी फैमिली बाद में बुरी रहेगी। अगर मान लीजिए घर में कोई करता आदमी, अगर कोई घर में करने वाला पैसे कमा अगर दारू पीता है, कोई व्यसन करता है, तो घर में वैसी फैमिली, उसकी फैमिली कैसे रहेगी, तो उसकी फैमिली वैसी ही रहेगी। हम बहुत बार देखते हैं कि बाप बोलता है बेटे को ये 50 रुपए ले, ये इसकी पूरी ले क्या, और साथ में ये 10 रुपए ले, तुमको जो खाना है वो खा लो। तो वो क्या करता है, 10 रुपए की पूड़ी लेके आता है, 50 रुपए की पूड़ी लाता है, 10 रुपए का वो क्या खाता है, 10 रुपए का बिस्कुट खाता है या तो कुरकुरे खाता है, तो वो जो भी है वो करता है और वो फिर वो वैसे अनुकरण करता है जैसे मेरे पिताजी ने किया है, मैं भी करके देख लूं क्या है उसमें, और बहुत बहुत ही कम समय फिर उसकी भी वो आदत लग जाती है। ओके चलिए अभी ज्योति मैम का एड्रेस है। यस ज्योति मैम, बोलिए ज्योति मैम, अनम्यूट करिए मैम। हेलो, यस यस बोलिए मैम। आनंद सर चांगलं झालं सेक्शन, मी मराठीतूनच बोलते कारण मला हिंदी जमत नाही, कारण इतकं छान झालं की मला इतकं मनातून आनंद वाटतं की व्यसन हे घरातलं सगळं कुटुंब बरबाद करणारा एक हे आहे, कारण प्रत्येक घरात स्त्रियांना तर व्यसनदार असलं तर प्रत्येक घरात इतकं त्रासदायक व्यसन आहे की एका माणसामुळे मुले आई वडील आणि सगळं कुटुंब बरबाद होतो। पण एवढं मला आनंद वाटतं की कारण व्यसन हे प्रत्येक घरात नसूनच, पण आता ते दुर्दैवाने प्रत्येकाच्या नशिबाने असेल आणि नसेल हे जस त्याच्या घरातलं आहे, पण मला प्रत्येकाला एक वाटतंय की व्यसन नसले तरच आनंदी राहू शकतात, कारण की मला एक व्यसन होतं कशाच होत ते देवाचं, आणि मी प्रत्येक वेळेस मी उठलं की आपलं आपलं काम आवरायचं आणि पोत्या वाचायचं, कितीही कळ लागली तर 2-2, 3-3 तास हे पण मला व्यसनच होतं असं मला हे आता ऐकल्यानंतर वाटत होतं, कारण ह्या फॉर्म मध्ये आलं तसं मला वाटतं की आता हे व्यसन जरा कमी झालेलं आहे, आणि मला 2-3 असे आलेत की म्हणजे परिस्थिती कमी आहे। मला आनंद सरना एक प्रश्न करायचा आहे की आप्रेश दिल्यानंतर त्यांचं थोडंफार व्यसन कमी होईल का, असा त्यांच्यासाठी माझा प्रश्न आहे। हॅलो हॅलो, यस यस मॅडम, खूप छान प्रश्न विचारलात आपण, की आपण ह्यामध्ये सांगितलंच होतं की जसं व्यसन कमी झाल्यानंतर जे काही आपल्या ब्रेन मधल्या सेल्स आहेत त्यावर डिपेंडेंट झालेले असतात त्यांना क्रेविंग व्हायला लागतं, स्नॅकिंग व्हायला लागतं की ते कधी जाऊन कधी घेऊ, त्यावेळेस जर आपण आफ्रेश घेतो तर त्यामध्ये कॅफिनची मात्रा असते 40%, आणि जे आपण हर्बा कंट्रोल घेतो त्याच्यामध्ये 80% मिलीग्रॅम हे असतं, त्यावेळेस त्या अशा व्यसनाधीनला जेव्हा त्याची क्रेविंग होते त्यावेळेस आपण आफ्रेश जर दिलं चांगल्या प्रकारे तर एक अलर्टनेस त्याचा वाढतो आणि तिकडे जाण्याची प्रवृत्ती त्यांची कमी होते, हळूहळू तिकडे जाण्याची प्रवृत्ती कमी होत 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 त्यांची डिपेंडन्सी कमी होत जाते। तर त्याच्यामुळं आपला प्रोग्राम जो आहे जो न्यूट्रिशनचा तो 100% त्या व्यसनाधीन व्यक्तीला बाहेर काढण्याचा आहे, कारण त्या व्यसनाधीन व्यक्तीच्या शरीरावर अशा प्रकारचे परिणाम झालेले असतात की ते इंजेक्शन गोळ्या सलाइनने फारसा उपयोग होत नाही, तिथे अशा प्रकारचे सप्लिमेंट पाहिजेत की जे शरीराला पोषण देऊन शरीरावर न्यूट्रिशन करून, कारण पूर्ण त्या व्यसनांमुळे शरीर संपूर्ण डॅमेज झालेलं असतं, तर त्याला एक प्रेमाने त्याला पुन्हा रिज्युनेट करणं, रसायन चिकित्सा त्यावर करणं, तर हे फक्त आपल्या फोरममध्ये त्याचे साईड इफेक्ट घालून शरीर डिटॉक्सिफिकेशन करून शुद्ध करून त्याला पोषण चांगलं देऊन त्याला पुन्हा उभारी आणणं हे काम आपला चहा नाश्ता दोन्ही चांगल्या प्रकारे करतो, आणि काही सप्लिमेंट जे मी आपल्याला सांगितले त्या पद्धतीने। येस आणि आप्रेस हे काय, कारण त्यामुळे त्यांची परिस्थिती नाही पूर्ण बेसिक घेण्यासारखी, म्हणून मी म्हणते की त्यांना आप्रेस देऊन थोडे दिवस म्हणजे होईल का असं म्हणून त्याच्यासाठी मी प्रश्न केला होता। चालेल, आप्रेस द्यायला लावा आणि त्याच्यावर त्यांना गायीचं दूध जास्त करून आणि गोमूत्र जास्त ते सुद्धा थोडस प्यायला सकाळ संध्याकाळ सांगायचं की ज्याच्यामुळे शरीरामध्ये काही टॉक्सिन्स असतील व्यसनांमुळे निर्माण झाले अल्कोहोलमुळे ते सुद्धा दूर होऊन जातील। थँक्यू सर, चांगलं सेक्शन घेतलं। Thank you. Yes.
प्रश्न सगळ्यांना उत्तर सगळ्यांना मिळालंय साहेब. मैं बताना चाहता हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि व्यसन छूटता नहीं है, मगर जो हम जब कभी कैंपिंग या तो हम जब चेकअप करने जाते हैं लोगों को, हमें भी पूछते हैं कि सर वो शराब पीता है तो कुछ शराब छूटेगी क्या उसकी. बाकी मैंने अभी पहले बताया कि 21 डे तक अगर उसकी खुद की अगर मानसिकता रहेगी कि मुझे छोड़ना है तो वो छोड़ सकता है, सब अपने मन के ऊपर रहता है. तो अभी जैसे मैडम ने बोला कि हमने उनको सिर्फ एफरेज दिया, और बहुत बार लोग हम अगर कभी कभी हमारे जो एफरेज लेते फोटो डाल के अगर फोटो डालते हैं तो हमें भी कमेंट आता है, सर सुबह सुबह चालू कर दिया क्या आपने. मतलब उनको लगता है कि हम सुबह सुबह शराब पीते हैं, मगर उनको जब बताते कि नहीं ये शराब नहीं है हमारा, ये जो है हमारा जो आप जो पीते हैं उससे नशा चढ़ता है, इससे भी नशा चढ़ता है, मगर आप जो पीते हैं उससे आपके शरीर मतलब शरीर का आपका नुकसान होता है, इससे नुकसान नहीं होता है, शरीर का अच्छी तरह होता है. तो हम बताते हैं और बहुत से लोगों को मतलब उन्होंने वैसे किया है. बट पहले आप देखिए जैसे सर ने बोला कि उनको एफरेज दे दीजिए, चालू कर दीजिए, एक बार उसको आदत लगे एफरेज बहुत अच्छा है तो वो दिन में ले लेने दे उसको, धीरे धीरे उसको अरे नहीं ये बहुत अच्छा है, उसकी उसकी शराब भी छूट जाएगी. यस मैम. एक मिनट, आज जो शाम को जो है कल सुबह में एक मिनट विष्णु सर का जो है और कल शाम को अपना जो है वो हैप्पी टू हेल्प होने वाला है. तो जिन जिन लोगों ने अपने मतलब जो है उनको आपको मतलब ये बोले हैं जिसको जिसको आदत रहने दो, बुरी आदत रहने दो, जिनको बोले एक बार सुन तो लीजिए कम से कम जो हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते प्रोग्राम. और जो है ये देखिए कल जो है आज कल सुबह 7 बजे विष्णु दुधबाते सर का ऑल अबाउट कुकिंग ऑयल पर है. जो भी जो ये जो टॉपिक है जो हम घर में जो तेल खाते हैं वो तेल कितना जहरीला है उसके ऊपर आपको आज बताने वाले हैं. हम घर में खाते मतलब अलग अलग कंपनी का हम जो है कुकिंग ऑयल लेके आते हैं, जैसे कि गोदरेज का है, जेमिनी का है, हम सिर्फ लेते हैं उसका अच्छा है इसका अच्छा है, मगर जब वो जो कुकिंग ऑयल है उसमें से क्या निकाल के लेते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं. जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि जो हम तेल लेते हैं वो कैसा खाना चाहिए, तो वो उसके ऊपर कल वो बहुत बड़े टॉपिक लेने वाले हैं. तो उसको आप सबको कल सुबह में भी ये लिंक आप सबको दे सकते हैं, फ्लायर सबको दे सकते हैं और उनको बताएगा घर में हम जो तेल लेते हैं वो कैसा तेल हमको खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए. यस सविता मैम, सविता देशमुख मैम. मैं बोलूं कि सविता देशमुख मैम बोलते हैं. बोलिए. गुड मॉर्निंग. यस मैं डॉक्टर निर्मला नागपुर से बिलोंग करती हूँ. और जैसे सर ने बताया कि व्यसनाधीनता हा खूप मोठा इश्यू आहे असं आपण म्हणू शकतो सध्या ग्लोबल याच्यात, कारण लोकांना स्टेटस सिम्बॉल वाटतं दारू पिणे किंवा सिगरेट पिणे, गांजा ओढणे वगैरे. बट इथे स्टेटस सिम्बॉल नाही आहे, आपकी हेल्थ को खराब करता है. और एकच प्याला सुरू करता करता तुम्ही केव्हा तळीराम होऊन जाता हे तुम्हालाही कळत नाही. तर जे कोणी असं असेल आपल्या आजूबाजूला किंवा आपल्या फॅमिली फ्रेंड्स मध्ये, तो आनंद सर ने जो जो बताया है कि उस तरीके से हम उन्हें धीरे धीरे बाहर निकल सकते, लेकिन वो व्यक्ति का खुद का भी पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अदरवाइज वो किसी भी चीज को पॉजिटिवली नहीं लेता है या उसके अंदर खुद ये सब चीजें छोड़ने की इच्छा रहती है तो वो कोऑपरेट करता है हमें और अच्छे से खुद को उस चीज से बाहर निकालता है. और जो कुछ एडवांस न्यूट्रिशन सर ने बताया कि जैसे हर्बल कंट्रोल में कैफीन होता है तो 80 मिलीग्राम पर टैबलेट ऐसा है, तो हम उसे उन्हें अगर देते हैं और उनका जो मैक्सिमम डोज है उससे ज्यादा किसी ने भी नहीं देना है क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर काम करता है कैफीन जो है. तो उस तरह से धीरे धीरे हम उन्हें बाहर ला सकते हैं. और जैसे अभी अप्रेश में भी अपना कैफीन रहता है 40 मिलीग्राम पर सर्विंग, तो सुबह शाम आप हम उन्हें अप्रेश भी एडवाइस कर सकते हैं ऐसा मैं बोलूंगी. और सर ने जो जो रीजन्स बताया कि शुरुआत तो येणे घेणारे काही होत नाही अशानेच होत असते, पण एकदा घ्यायला लागल्यानंतर जर त्यांनी स्वतःला त्यापासून वेगळं ठेवलं तर काही हरकत नाही. पण अशाच लोकांच्या संगतीत जेव्हा तुम्ही वारंवार पडता तर तुमचं हे थोडस एक घोट प्यायचं प्रमाण कधी व्यसनामध्ये कन्वर्ट होते हे आपल्यालाही कळत नाहीये. तर आपला जो हेल्थ बास्केट फोरम आहे जो हेल्थ द्यायचं काम करतो, बास्केट आहे ती टोपली आहे की ज्यात सगळ्या तऱ्हेचे फळं ठेवलेले आहे आरोग्याविषयी, तर प्रत्येकाने त्या फळाचा इथे लाभ घ्यावा. कारण जैसे अभिष सरने जो बताया की सरने इतना सुंदर सेशन डिलिव्हर किया, इतना उसके ऊपर फोकस किया, उसकी तयारी की, यानी कितना श्रम लगता है ये सब चीजें करने में हम लोग देख रहे हैं.
चीजों से हम खुद को भी दूर कर सकते हैं, और जैसे अनिल सर ने बताया कि 21 डेज का क्या फायदा होता है, यानी अच्छी चीजें भी हमें सीखना है तो 21 दिन तक अगर हम डेली करते हैं तो वो चीजें हमारे ब्रेन में बैठ जाती है और हमें डेली वो आदत लगती है। जैसे मैं बोलूंगी कि व्यायाम करना ये भी एक प्रकार का व्यसन है, लेकिन ये बहुत अच्छा व्यसन है कि हम जब भी मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं हमारे फोरम के साथ में, तो जो एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं जो हमारे दिन भर के लिए हमें हैप्पी रखने के लिए मदद करते हैं, तो ये इतना बढ़िया अपना चाय नाश्ता और एडवांस न्यूट्रिशन है जो हमें व्यसनों से भी दूर करता है और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी कम्युनिटी के साथ में हमें जोड़कर रखता है। थैंक यू आनंद सर कि ये बहुत अच्छा विषय आज आपने डिलीवर किया, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि थोड़ा सा पिए तो क्या होता है, सिगरेट फुकली तो क्या होते, पण असं नाही आहे, ते थोडं व्यसनामध्ये कन्वर्ट होते आणि आपल्या फोरमला जेही जॉईन आहेत तर ते ह्या सगळ्या व्यसनांपासून दूरच असणार, कारण एवढा चांगला सुंदर टी आणि ब्रेकफास्ट जेव्हा आपण घेतो तर नॅचरली तुम्ही त्यापासून लांब राहता आणि आजूबाजूच्यांना आपण मदत करू शकतो। तो थैंक यू आनंद सर कि कारण भी बताया आपने कि किस वजह से होता है, कैसे धीरे धीरे हम उन्हें छोड़ सकते हैं, कैसे उनके साथ में रहकर उन्हें हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू आनंद सर, अनिल सर, आपने भी बहुत अच्छे से वैल्यूज ऐड किए, और थैंक यू अमृता, सुबह का कार्डियो वर्कआउट बहुत अच्छा लिया आपने, ताकि हमारे कैलोरीज बर्न होने से क्या होता है, फैट तो बर्न होता ही है लेकिन हैप्पी हॉर्मोन्स जो बोलते हैं ना हम, वो भी सीक्रेट होते हैं जिसे हम एंडोरफिन्स कहते हैं। तो डेली मॉर्निंग वर्कआउट में सभी ने आना चाहिए, और सेशन सुनने के लिए एक जगह बैठने की जरूरत नहीं होती है, आप अपना हर काम करते हुए कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी 10 बजे जाना रहता है लेकिन मैं सेशन जरूर सुनती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ से। अर्ली उन्हें करना है क्योंकि काम तो चलने ही वाला है, सभी को काम होता है, ये लोग जहाँ पे होस्टिंग कर रहे हैं उनको काम नहीं है क्या, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए अपना 3 घंटा दे रहे हैं, या आनंद सर ने 1.5 घंटे हमें अच्छे से सेशन लेक्चर दिया है, तो ये फ्री में देते हैं, फ्री में देने के बाद हमने क्यों नहीं लेना है, ना कोई पैसा खर्चा करना है हमें, मैं ऐसा बोलूंगी। और सभी ने अटेंटिव होकर, जो लोग मॉर्निंग में सपोज 100 आंकड़ा था अपना है ना जब हमने ज्वाइन किया वर्कआउट के लिए, लेकिन अभी 42 बचे हैं, तो वो लोग मैं बोलूंगी कि वो दुर्दैवी इनकमनशिबी लोग है कि जे इतकं चांगलं सेशन सोडून देत आहे, त्यांना असं वाटतं की आपल्याला खूप काम आहे, काम सगळ्यांना, म्हणजे मी पण किचन मध्ये आहे पण मी ऐकतो। थँक्यू सर, आणि आपलं ऍडव्हान्स न्यूट्रिशन सोबत सगळ्या गोष्टी करते सकाळी सकाळी, छान वाटतं मला। थँक्यू, थँक्यू निर्मला मॅम, आपने एक बात अच्छे से बहुत बोले कि जैसे कि जो जो है एकच प्याला जो होता, तो मराठी में एक नाटक भी था उसका, और बहुत मतलब बहुत पॉपुलर हुआ था एकच प्याला, कारण त्या एकच प्यालाने एक बोटाने कसं तो माणूस तळीराम होतो ते आपने देखा होगा, तो वैसे ही है। और सबसे सबसे ज्यादा मतलब ये लगता है कि जो आपकी जो यंग जो पीढ़ी है जो कि यहाँ से समझो कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या तो पढ़ाई करने जाते हैं, तो हम उन पर ध्यान नहीं देने दे पाते हैं, और जो हम जब बाहर जाते हैं और देखते तो देखते ही नहीं, ये तो बच्चे मतलब उनको पैसे कुछ कमतरता है नहीं, जो माँ बाप उनको यहाँ से वहां भेजते हैं और उनको पढ़ाई के लिए भेजते हैं और देखते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं मेरा बेटा मेरे पास रहना चाहिए। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो कुछ लोग है इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना भी ध्यान रहना चाहिए। फिर अगर एक अपने हाथ से अगर एक बात मतलब जैसे कि कमान से तीर निकल गया, अगर अपना बेटा अगर मतलब एक कुछ गलत लग पे लग गया तो उसको लाना फिर लाना बहुत बुरी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है, हम उसको नहीं कर सकते। और जो जितना फिर छुपा के रहे करना, और जैसे कि अभी तो देख रहे कि जैसे मैडम ने बताया कि शराब पीना सिगरेट पीना ये तो मतलब वैसे मतलब कि एक पैशन जैसा हो गया है। अगर कोई बोलता तू शराब नहीं पीता, अरे 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 तो फिर क्या यार नहीं पता, तू सिगरेट नहीं पीता, अरे अरे ऐसे ऐसे होता है, इससे फिर वो चालू हो जाता है, तो हमें वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और बहुत अच्छे से मैम ने अच्छे से नॉलेज डिलीवर किया। चलिए आगे चलते हैं, सविता मैम, सविता देशमुख मैम, आपका हैंड रेज है। यस मैम, गुड मॉर्निंग सर, आनंद सरांचं सेशन खूप छान झालं आणि मला असं सांगा वाटलं की म्हणजे आपण सुद्धा चहा खूप पित होतो ते किती व्यसन वाईट होतं आपल्याला, आणि चहा म्हणजे कुठं जर गेले आणि मला जर चहा विचारला नाही तर ते माणूस माझ्या डोक्यात जायचं, राग यायचा, मला चहा विचारला नाही असं एवढा मला राग यायचा त्या माणसाचा, आणि पाहुण्याकडे जरी गेले तरी मी माझ्या हाताने चहा करून पिला तर माझं समाधान व्हायचं, म्हणजे इतकी चहाची मला सवय होती की दुसऱ्या चहाचा सुद्धा चहा पटत नव्हता मला, आणि मग असं नंतर वाटायला लागलं की आता ही सवय तर वाईट आहे, सगळ्यांची बोलणी पण खायची मी, पण नंतर चहा आपला सुरू केला तर नंतर मग त्या चहाची आठवण पण होत नाही मला,
त्याच्यामुळे इतकं छान वाटते की आधी वाटलं मला की सांगू की नको, पण मला हे व्यसनच होतं ना आपलं. सरांनी तर खूप छान माहिती दिली म्हणून मला आता सरांना पण सांगितलंच पाहिजे, कारण सगळ्यांनी आता चहा आपला सोडून जो पहिला जो चहा आहे तो सोडून आपला फ्रेज घ्यायला काही हरकत नाही, घ्यायलाच पाहिजे. त्याच्यामुळे माझा चहा आणि माझ्या मुलाला पण खूप सवय होती चहाची, पण आमच्या दोघांचा पण चहा सुटलाय. हे खूप छान झालं या फोरममुळे. त्याच्यामुळे फोरमचे पण धन्यवाद आणि कोचचे पण. थँक्यू सर. यस 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 थैंक यू मैम. जैसे आपने बोला था वैसे हमारे जो बेटर हाफ है उनके भी बहुत चाय की आदत थी. अभी उन्होंने बताया कि सुबह कम से कम एक गिलास भर उनको भर के चाय लगता था और शाम में भी. अगर वैसे जैसे बोला आपने वैसे ही अगर खुद क्या हाथ से अगर बना के नहीं पीती थी, किसी आवर में थोड़ी सी शक्कर कम हो गई तो वो चाय नहीं पीती थी, क्योंकि उनको वैसे आदत लग गई थी अब कि नहीं मुझे चाय पीना है मतलब चाय पीना है. और जैसे उनके मन के जैसे नहीं हुआ तो फिर नहीं है. जैसे कि मैंने तो कई बार उनको बोला भी था कि मैं तुमको शक्कर नहीं ला के दूंगा, ये नहीं ला के दूंगा, तो मतलब उनको नहीं जमता था. सुबह एक बार मैं कितना पीती हूँ, मैं आपसे कुछ और मांगती हूँ क्या? मैं सुबह एक गिलास और शाम को एक गिलास उतना ही चाय पीती हूँ ना. उसमें हम वो मतलब मत पना की करते थे, मगर अब ऐसे हो गया है कि दिन में वो जो है सुबह एक लोटा भर के एवरेज पीती है तांबे भरून, संध्या का एक तांबे भरून एवरेज पीते. अच्छा आदत लग गई अब उनको, उनको उसका मतलब उनको उनको मालूम हो गया कि इसी पीने से क्या होता है उससे क्या होता है. मतलब जो पूरी आदत जल्दी छूटती नहीं है, मगर एक बार छूटती है तो फिर वो लगती नहीं है. अच्छी आदतें जल्दी लगती नहीं है, मगर एक अच्छी आदत जब एक लग जाती है ना तो जल्दी छूटती. जैसे सर को भी, सर पहले उनका वर्कआउट मतलब शाम का जो है सेशन खत्म करके वो रनिंग करने जाते थे. उनको अच्छी आदत मतलब वो अच्छी आदतें करते थे, जिम को जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए 5 किलोमीटर जाके दौड़ लगा के आते थे सर. मतलब अच्छी आदतें जब शरीर को एक बार मतलब उसको आदत लग गई ना तो छूटता नहीं है. सुबह जल्दी उठना, जो अच्छा अच्छा खाना खाना, अगर बुरे आदतें पिक्चर देखना कुछ भी रहने दो. और हम सुधीर सर भी हमेशा बोलते हैं कि हमें जो है वो मतलब गाना सुनना या तो स्टोरी पढ़ना या तो किताबें पढ़ना, वो अच्छी आदतें लगनी चाहिए. जैसे कि 1 घंटा में चलो कि जिमरा रहने दो कोई भी. जैसे कि अभी अभी इन्होंने बताया था कि मुझे देव धर्म करायचं खूप मला बेस्ट होत. अच्छी बात है ना, कहीं ना कहीं तो हम अपना मन रमा लेते हैं. किसी को सुना सुबह देवाची पूजा केल्याशिवाय लोक पाणी सुद्धा घेत नाही, वो भी उनकी आदत लग जाती है. कभी कहीं बाहर जाते हैं तो वो ऐसा रहता है मतलब मेरा चल विचल रहता है, घर की पूजा कुणी केल्यासल करने से मतलब उतना वो उनको वो अच्छा व्यसन लग जाता है वैसे ही रहे. ओके मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बोला है. चलिए और किसी को कुछ बोलना हो तो यस 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 चलिए राम सर. हेलो हा सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल. थँक यू सर हा फोरम मध्ये जॉईन केल्याबद्दल. बिकॉज ऑफ सर एवढ्या गोष्टीची सवय होती की म्हणजे कधी अलाराम लावून उठणं, असं सकाळी कधी जागणं येणं, किंवा बाकीच्या काही गोष्टी होत्या सर की कधी त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतं, म्हणजे कधी त्या गोष्टींची सवय लागून जाते हे देखील लक्षात येतं. आणि एवढा त्रास होतो की मी आता सर तुम्ही एक दुसरी गोष्ट अनिल सरांनी बोलली की एक गोष्ट जर आपण 21 दिवस कंटिन्यू केली तर ती गोष्ट चांगली असो किंवा वाईट असो त्या गोष्टीचं अडिक्शन किंवा सवय लागते. ह्याचं एक उदाहरण मला आलेलं म्हणजे की मी फर्स्ट टाइम ज्यावेळी सर मला आनंद सर म्हणायचे, दररोज सकाळी जरी एक्सरसाइज नाही केला पहिल्यापर्यंत झोपेतून जागच येत नसेल किंवा उठू पण वाटत नव्हतं. सर फक्त म्हणायचे की लिंक जा ऐकत तरी बसत जा ऐकत तरी बसत जा, पण त्याची सवय लागत नव्हती. पण एकदा जो मी ह्या गोष्टीमध्ये ह्या फोरम मध्ये जॉईन झालो, न्यूट्रिशन घ्यायला लागलो, त्याच्यानंतर सर मी कंटिन्युअस असं कधी कधी तसं सेंटरवर यायचं जरी म्हटलं किंवा स्पॉटलाइट करायचं, मला असं वाटायचं की बाकीचे कोचेस आहेत ते करतील ना, म्हणजे असं बाकीच्या गोष्टीकडे बाहेर दुर्लक्ष करायचं. पण जसं जसं ह्या रुटीन फॉलो करत गेलो, न्यूट्रिशन घेत गेलो, आता कमीत कमी 1 महिना 1.5 महिने 2 महिने जे कंटिन्यू करायलो ते माझ्या खूप सारे चेंजेस झालेले समोर आहे मी. आणि बाकीच्या गोष्टी सर तुम्ही जे म्हटलं 21 दिवसामध्ये सवय लागून जाते ही अगदी खरी गोष्ट आहे. कोणतीही चांगली गोष्ट ती सवय लावायची असेल तर त्याला कंटिन्युअसपणा हे खूप महत्वाचा गरज आहे. त्याच्यानंतर आपलं जे न्यूट्रिशन आहे जे आपल्याला एक एखादी वाईट गोष्ट आपण करतो किंवा वाईट ऍडिक्शन करतो त्याचे किती साईड इफेक्ट असतात ते आनंद सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने समजून सांगितलं. आपल्या त्या गोष्टीकडे त्याचे साईड इफेक्ट आहे त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो आणि संगती म्हणतो. संगतीचा अर्थच असा आहे की संगती कधी आपण त्या गोष्टीमध्ये इन्वॉल्व होऊन जातो ते समजत नाही. पण ह्या फोरम मध्ये आल्यापासून चांगलं काय वाईट काय आपला रिस्पेक्ट काय असायला पाहिजे, सेल्फ रिस्पेक्ट आपण कसं राहायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी शिकवण्याचं काम. आणि प्रत्येक कोचेस आपल्याला जी गरज किंवा जी माहिती आपल्याला देत आहेत ती खूप खूप आयुष्यामध्ये कामी उपयोगी पडण्यासाठी देतात. सो थँक्यू ऑल ऑफ द कोचेस आणि एक चांगला मार्ग दाखवण्याचं काम करतात.
थैंक यू राम सर, आपने बहुत अच्छे से मतलब ऐड किया है. और आप मुझे से बोल देता हूँ कि लहान मुला ना कि घर जो घर में रहते हैं बच्चों के लिए आप थोड़ा मीठा बोल के उनको भी 21 दिन का जो लग सकता है, चलो भाई 21 दिन है ना मेरे से तो घूमने के लिए चलो, 21 दिन बैठ के आप उसको देव पूजा करने के लिए बाजू बिठा दीजिए तो अच्छे से उसकी आदत लग जाती है. मतलब शरीर वो करना चालू कर देता है कि 21 दिन में जो भी आता है बदल होना चालू हो जाते हैं. और जो भी जैसे कि हम बोलते कि देखिए कुछ भी रहने दो, मतलब कहीं पर भी गए तो अगर हम कंटिन्यूशन करते हैं 21 दिन, मैं हमेशा बोलता हूँ 21 दिन का बोला है मैंने मगर आप उसको मतलब 15 दिन किया है फिर ऐसे नहीं, कंटिन्यू आप 21 दिन करिए, आप देख लीजिए कोई भी चीज रहने दो. मैं कुछ नहीं बता, अगर आपको लगता है कि मुझे एक दिन उठना है एक दिन उठ के देख लीजिए, 22वें दिन आपको अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मगर हम क्या करते हैं, 4 दिन उठते हैं फिर 4 दिन छोड़ते हैं फिर 4 दिन उठते हैं, तो ऐसे करेंगे तो शरीर आपको नहीं करेगा एक्सेप्ट करेगा. चलिए बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया है. और कल भी जो है उस सुबह में कुकिंग ऑयल का उसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, उसे भी सबको लेना है लिंक. जो भी अपने लोग है जो हम खान पान में जो हम सबसे ज्यादा जो हमारा वेट बढ़ता है जो हमारे जो जो भी हमारा मतलब शरीर के अंदर जितना हम जो लेते हैं ऑयल उससे हमें क्या डिसीज होता है उसके ऊपर अनंत जो विष्णु सर है वो बताने वाले हैं. क्योंकि हमको कौन सा ऑयल खाना चाहिए, मतलब फिल्टर वाला खाना चाहिए या डबल फिल्टर वाला खाना, हम जब बाजार में जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं ये ऑयल कैसा है, ये 300 रुपए किलो वाला है और डबल रिफाइंड वाला है तो ये हमें वो दीजिए, मगर वो कितना जहर है ये हमें आपको मतलब वो आपको कल बताने वाले हैं. यस, चलिए एक गाना लगाएंगे. किसी का बर्थडे हो किसी का एनिवर्सरी हो तो बताइए, हैंड रेस करिए तो हम उनको मतलब हम उनका यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे. शायद नहीं है किसी का, बरं झालं. आणि सरांकडे जाताना आम्हाला कळलं की मोठं गिफ्ट घेऊन जायचं नाही, जाताना फक्त आजच्या दिवसाचा पेपर तेवढा घेऊन जायचा 2 रुपये. सर आता सध्या काय चाललं माहित का की आपण सकाळचं जे काही आता त्याला व्यसन कुठं झालं माहिती सर तुम्हाला, सकाळचं त्याला कसं आहे पॉझिटिव्ह सकाळचे जे आपले व्हिडिओ होतो छोटे व्हिडिओ ते व्हिडिओ त्याला व्यसन लागले त्याला. आता ती सोब ती काय म्हणते सकाळची नाही मला ते जे आहे ते मला तुम्ही फक्त मला ते व्हिडिओ लावून द्या आज सकाळी सुद्धा नाही मला, कारण त्याला कसं आहे जो हम सुबह में जो पॉझिटिव्ह वाला व्हिडिओ जो सुनते है देखते है ना तो उसी से दिन दिन अच्छे से चला जाता है. तो मेरा वो पेपर का पैसा बच गया है यहाँ पे मैं लगाता हूँ यूट्यूब पर और जो गाना लगा दे तो मेरा वो कितना काम मेरा हो जाता है. चलिए आज एक थोड़ा सा अच्छा अलग से गाना लगाता हूँ मैं. चलिए मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को. मुझे पीने का शौक नहीं पीती हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को.
लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, तेरा कोई खत आया न कोई खबर आई, क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। मुझे पीने शौक नहीं पीता हूं गम भुलाने को। चलिए आज थोड़ा सा जरा हटके गाना लगाया था मैंने, क्योंकि सर ने जो व्यसन के ऊपर सेशन लिया था तो सभी को पता चले, क्योंकि कुछ भी व्यसन करने के लोगों को एक मतलब सिर्फ बहाना चाहिए, जैसे बोलते कि पीने के लिए पीने वाले को बहाना चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए बहाना मांगता है कि आज गाड़ी हो गई ले उसके लिए बहाना चाहिए, मतलब आज मेरा बेटा पास हो गया मैं पीने चला जाएगा, मैंने घर लिया मैं पीने चला गया, मतलब कुछ भी हो उसको बहाना चाहिए, बुरी आदतों के लिए बहाना मांगता है, अच्छी आदतों के लिए बहाना नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा अलग से गाना लगाया था आज। चलिए शाम में दोपहर का वेलनेस कोच का ट्रेनिंग है ना, तो अपने वेलनेस आर्मी के लिए एक बार वो फ्लैग शो करिए। अपना ग्रुप व्हाट्सएप का हां टेलीग्राम आप ग्रुप सर म्यूट है तुम्हें आज किसी का तो बर्थडे या कुछ और नहीं है तो चलिए कॉल इन करते हैं। यस थैंक यू सर, थैंक यू मैम।